सो गाइज, आप लोगों के हाई डिमांड के कारण मैं एक ऐसी सीरीज की कंप्लीट वीडियो लाई हूँ और इस एक ही वीडियो में कंप्लीट सीरीज को मैंने कवर किया। साथ ही वीडियो आपको कैसे लगे ये कमेंट करके आप लोगों को मुझे जरूर बनाना है ताकि मैं इसी तरह की लॉन्ग सीरीज की कंप्लीट वीडियो आपके लिए ला सकूं। इसके लिए हर एक एपिसोड में आपको वीकली वेट नहीं करना होगा। तो इस अमेजिंग सीरीज के रोलर कोस्टर राइड को करते हैं शुरू। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूज पे ये खबर सुनते ही आज के दिन साल में सबसे ज्यादा चांद हमारी पृथ्वी के नजदीक है और चंद्र ग्रहण को देखने का ये सबसे अच्छी रात है। इसी न्यूज को सुनते हुए वो छोटा बच्चा घर की छत पे चढ़ जाता है अपने बाइनोकुलर्स के साथ। किनेका एक उस बच्चे की आंखें तेज रोशनी में चमकने लगती है और उसे अपने सामने जो दिखाई देता है इस पे विश्वास नहीं होता। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखती है। ये जो स्टैचू है किसी महान देवता की लगती है। वो बच्चा जैसे ही इस स्टैचू की आंखों में देखता है इसकी आंखें चमकने लगती हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है। उसने अपनी आंखों में पट्टी लगाई रखी है और वो रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा है ताकि रोड को क्रॉस कर सके। उसे वहाँ पे सभी लोग बहुत ही अजीब सी निगाह से देख रहे हैं, जैसे वो माने ये कह रहे हो कि एक अंधा भला कैसे रोड को क्रॉस कर सकता है। लेकिन वहीं उस लड़के के बगल में एक लड़की है जो उसे रोड क्रॉस करने में उसकी मदद मांगती है। वो लड़का जो है सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है उस लड़की का हाथ पकड़ता है और रोड को क्रॉस करने लगता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं गाइस कि ये सीरीज जो है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बोर लगेगी, लेकिन 10 मिनट के बाद में इसमें एक ऐसा चेंज आता है जो पूरी प्लॉट को ही बदल देता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस तरह से ये आपको अगला एपिसोड देखने पे मजबूर कर देगी। अब वापस कहानी में आते हैं जहां वो लड़का काफी आराम के साथ रोड को क्रॉस कर लेता है। देख के आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं और सभी उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। कोई उसे क्यूट कह रहा होता है, कोई उसे बेचारा कहता है और हमें इन्हीं लोगों के द्वारा इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसका नाम लिंची है और इसके बारे में बताया जाता है कि जब ये छोटा था तो चांद को देखने के लिए जैसे ही छत पे चढ़ा तो वहाँ से गिर गया था और इसके सर पे चोट लग गई थी। तभी से इसे सभी पागल कहते हैं क्योंकि ये अजीब चीजों को देखने के बारे में हमेशा बोलता ही रहता है। लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये कई बार मेंटल असाइलम भी जा चुका है। इसके कारण परेशान होकर के इस लिंची के जो माता पिता है इसे छोड़ करके चले गए। अब ये अनाथ है लेकिन अभी ये अपनी आंटी के साथ रहता है। कोई इसके बारे में बताता है कि ये पागल है क्योंकि ये हर बार बस एक ही बात कहता है कि इसने उस चांद पे किसी एंजल को देखा था। तभी से ये देख नहीं पाता और अपने आंखों पे इसी तरह से पट्टी लगाई हुई है और 2 साल उस मेंटल असाइलम में रहने के बाद ये वापस आया है। लेकिन लिंची को हम आराम से उन स्ट्रीट में ऐसा घूमता देखते हैं जैसे उसकी आंखें सही सलामत है और उसे सब कुछ दिख रहा है और उसे तो ये भी पता चल जाता है कि एक फुटबॉल उसे हिट करने वाली है। इसे वो बचते हुए पीछे हट जाता है। अब इसी इंट्रोडक्शन के साथ लिंची अपने आंट के घर पहुंचता है जहां वो अपने एक कजन आजिन के साथ रहता है। यहाँ लिंची घर के राशन का सामान लाया होता है जिसके लिए उसकी आंट उसे डांट रही होती है कि इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इस पे लिंची उसे जवाब देता है कि ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी उसे मिली है जो ये खर्च कर रहा है। इस पे उसकी आंट कहती है कि ये तुम्हें अपनी कॉलेज की फीस के लिए रखनी चाहिए, ना कि घर के सामान लाने चाहिए इससे। आगे उसकी आंट बताती है कि जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे थे वो कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब लिंची उस कमरे में जाता है और वहाँ डॉक्टर हान हमें दिखाई देते हैं क्योंकि लिंची से काफी अजीब से सवाल पूछते हैं। वो एक फॉर्म को भरने के लिए उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। पहला सवाल वो उससे पूछते हैं कि उस दिन के हादसे के बाद क्या तुम्हें हेलुसिनेशन आने बंद हो गए हैं, या तुम्हारे अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे तुम्हें नींद कम आए, या तुम कुछ भूल जाते हो, या तो तुम्हें कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो तुम्हें नाइटमेयर की तरह डराते हो, तुम्हें हमेशा सर में दर्द रहता है और डिजीनेस महसूस होने लगता है। ये इस तरह के कई सारे सवाल पूछते हैं। लिंची जो है वो उस डॉक्टर के सवालों पे ध्यान नहीं देता और कुछ और ही के बारे में सोचने लगता है। वो इस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है कि जैसा चीजें हमें दिखती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब 100 साल की हिस्ट्री के वो बारे में बताता है कि इसी दक्साई सिटी में ऐसे अजीब तरह के धुंध देखे गए थे जो सीधा अंटार्कटिका से यहाँ पे आए थे। इस अजीब से धुंध ने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था जिससे पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी। लेकिन एक बहुत विचित्र सी बात ये होती है कि वो जो धुंध थी इनकी दक्साई सिटी में आकर बॉर्डर पास ही रुक गई। रास की सिविलाइजेशन बस इसी के बारे में सोच रही होती है कि सिर्फ दक्षाई सिटी ही इस धुंध से कैसी बची रह गई। इस घटना को बीते हुए 100 साल हो चुके हैं और लोग इसके बारे में भूल चुके हैं और लोगों को अब उस धुंध के बारे में कोई परवाह नहीं, जैसे वो अपनी आम जिंदगी में फिर से लग गए। लेकिन ये सवाल अभी लिंची को घर करता है कि आखिर उनकी दक्षिया सिटी ही क्यों सरवाइव कर गई।
और उस स्ट्रेंज से धुन के बाद बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं इस पूरी दुनिया में हुई, लेकिन अब लोगों ने ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है कि जैसे इनके बारे में उन्हें कोई परवाह ही नहीं। आगे वो अपने साल हुए उसी 10 साल पहले की घटना को याद करता है जब वो छोटा बच्चा था और उसके साथ वो हादसा हुआ था। डॉक्टरों का इसके बारे में कहना था कि उस छत से गिरने के बाद तुम्हारे सर पे गहरी चोट लगी थी, इसलिए तुम्हें इस तरह के अजीब अजीब से हेलुसिनेशन आ रहे हैं। अगर तुम्हें ये भ्रम आना बंद नहीं हुए तो हम इस मेडिसिन की डोज को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबरदस्ती उसे बहुत सारी मेडिसिन खिलाई जाती थी। ये हमेशा एंजल्स और गॉड के बारे में इसी तरह से बहकी बहकी बातें करता था, इसीलिए लोग उसे अब पागल समझने लगे थे। के बारे में कहते थे कि उसे किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। अपने आप को उस यातनाओं से बचाने के लिए और इतना ज्यादा टॉर्चर सहने से बचने के लिए लिंगजी ने ये बताना शुरू कर दिया कि उसने जो सब कुछ देखा था वो सब झूठ है, उसका भ्रम है बस। लेकिन असल में वो ये सच को जानता था। ये एलियंस या क्रिएचर्स जैसी चीजें होती हैं जिसे उसने अपने बचपन में खुद ही इन आंखों से देखा था, और उसने अपनी लाइफ को ये बचाने के लिए ही ऐसा झूठ कहना शुरू कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब आगे लिंगजी फ्लैशबैक से बाहर आता है और उस डॉक्टर को हंसते हुए बताता है कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने 6 पंखों वाले शिराफ को देखा है, अब ये शिराफ माइकल के बारे में हमें आगे पता चलेगा जो कि एक उच्च कोटि का देवदूत होता है, ऐसे कि हैडिस और पोसाइडियन होते हैं बिल्कुल उसी तरह। आगे वो डॉक्टर उससे ये सवाल पूछता है, क्या तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि इस वर्ल्ड में गॉड होते हैं? जिस पे लिंच यहाँ ना में जवाब देता है ये कहते हुए कि ये मेरे सिर्फ का एक डिल्यूजन यानी कि भ्रम था जो मुझे चोट लगने के बाद महसूस होने लगा। अब ये जवाब सुनते ही वो डॉक्टर मेडिसिन की जरूरत नहीं है इस वाले कॉलम में टिक लगाता है। फिर उससे दूसरा सवाल पूछता है कि तो क्या तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि यहाँ पे कोई मिस्टिकल मॉन्स्टर होते हैं? अब इसके बारे में लिंची ये बताता है कि जब से वो धुंध यहाँ पे गिरी थी इसके बारे में रिपोर्टर्स ने अलग अलग बातें बताई थी और कोई नहीं जानता कि क्या सच है क्या झूठ, लेकिन अभी भी सभी इस अफवाह को मानते हैं कि हो सकता है कि ऐसे क्रिएचर्स होते हों। अगर ये अफवाह सच होती तो उनके होने का यानी कि एग्जिस्टेंस का कोई तो एविडेंस होता, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी बंदे ने नहीं देखा है। अब जैसे ही लिंगजी की ये बात खत्म होती है यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें एक वर्कर को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बच के भाग रहा होता है। ये अजीब सी चीज और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टिकल मॉन्स्टर होता है जो कि उस वर्कर को खाने वाला होता है कि तभी उसे बचाते हुए एक तलवार को इसके मुंह में घुसेड़ देता है। ये तलवार एक लड़की की होती है जो कि उन वर्कर्स को वहाँ पे बचाने के लिए आ चुकी थी। अब हम व्यूवर्स को यहाँ लगता है कि अचानक से ये सब क्या चल रहा है। ये एक तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इस तरह के घोस्ट का शिकार करते हैं और आम लोगों को इससे बचाते हैं, क्योंकि जब से वो स्ट्रेंज फॉग चारों तरफ फैली है इस तरह के घोस्ट काफी ज्यादा अपीयर होने लगे हैं और लोगों का शिकार करते हैं। लेकिन इन्हीं को मारने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें इस लड़की जैसे और कई भी लोग हैं जो कि इनका शिकार करते हैं। बाकी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक मिनट के अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को मार डालती है। यहाँ पे वो अपने दूसरे साथियों को भी कांटेक्ट करती है कि टनल का मैंने ये हिस्सा पूरी तरह से मॉन्स्टर रहित कर दिया है, यानी कि सबको मार दिया है, बाकी का तुम लोग संभालो। अब आगे हमें उसके और भी साथी दिखाए जाते हैं जिन्होंने उस मॉन्स्टर्स की गढ़ का पता लगा लिया होता है जहाँ से ये मॉन्स्टर पैदा हो रहे होते हैं, उनके ठिकाने पे अटैक करने आए होते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिटिल बिट गोस्ट हंटर या फिर मॉन्स्टर हंटर के जैसे हैं। अब ये दोनों अपने शॉट की यूनिक स्किल्स के साथ उन सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म कर डालते हैं। अब टोटल इनके ग्रुप में 6 लोग हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में इन मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही हैं। अब आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इन सारे मामलों का रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर भेज रही होती है। वहाँ पे बैठे आदमी को हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वही है जो उन मॉन्स्टर की एनर्जी को डिटेक्ट करते हुए उनकी लोकेशन अपने साथियों को भेजता है और वे बंदे जा करके उसका वहाँ शिकार करते हैं। अब यहाँ हमें आखिरी बंदे लाओ जाओ को दिखाया जाता है। अब जाओ जो होता है वो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए उनका अभी पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा तेज है, वो काफी फुर्ती के साथ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए जाओ को इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, इससे वो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा होता है। इधर पीछे से उसके दो और साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था, उन वर्कर्स को बचा लिया था, लेकिन उन वर्कर्स ने उन मॉन्स्टर को अब देख लिया था, इसलिए अब उनकी याददाश्त मिटाने की बारी आती है। वे जो बंदे होते हैं किसी यूनिक प्रकार की बेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो घंटी बजती है वो वर्कर्स अभी यहाँ पे क्या हुआ था ये सब कुछ भूल जाते हैं। अब जो इनके बीच जाओ होता है वो बैरियर को क्रिएट करने वाला बंदा होता है, वो उन लोकेशन को जान करके उसके अराउंड एक बैरियर बना देता है ताकि वो मॉन्स्टर्स वहाँ से निकल ना पाए, ये लोग उस बैरियर के अंदर जा करके इन सब का शिकार कर पाए। अब आगे जो जाओ होता है उसे वो मॉन्स्टर्स चिढ़ा रहे होते हैं, वो उन्हें मारने के लिए इसके पीछे दौड़ता है।
तभी वो लड़की होती है यहाँ जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी आज यहाँ मदद कर देती हूँ, और वो छलांग लगाते हुए आती है और एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देती है। जिस पे जाओ उससे बोलता है कि कोई तो मॉन्स्टर मेरे लिए छोड़ के रखती ताकि मैं एक को तो मार सकूं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम उसी डॉक्टर हान को देखते हैं जो कि फोन पे किसी से कह रहा होता है कि 2 घंटे तक मैंने उस लड़के से बात की है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने साथ संभाल के रखी है। अब यहां जो लिन ची होता है डॉक्टर की आज अजीब से रवैये के बारे में सोचने लगता है। डॉक्टर ने मुझसे ऐसे सवाल किए हैं जो कि मेरे आंखों से रिलेटेड तो थे ही नहीं, पता नहीं आखिर वो इन सवालों को पूछ करके मुझसे किस चीज के बारे में जानना चाहते थे। अब ये चैप्टर यही क्लोज होता है और दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है। जी को खाना खाने के लिए उसकी आंट आवाज दे करके बुलाती है। हाँ वो उसे पूछ रही होती है कि डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों बारे में क्या कहा है, क्या तुम कल से स्कूल जा सकते हो। इस पे लिन जी उन्हें जवाब देता है कि आंट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी ठीक हैं और अब मुझे वो हेलुसिनेशन भी नहीं आते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्कूल को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन उसकी आंट को उसके बारे में चिंता हो रही होती है कि कहीं बच्चे उसके अंधेपन का मजाक उड़ाते हुए उसे बुली ना करने लगे। फिर जो उसका कजन आजिन होता है उससे ये कहता है कि क्यों ना कल स्कूल वो उसके साथ जाए कि कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। जिस पे लिन जी उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि मेरी नई लाइफ अब शुरू होने वाली है। अब आगे लिन जी अपने कमरे में आता है और अपनी आंखों की पट्टी निकालता है ये कहते हुए कि आंट मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा था। कि वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। उसे वापस से वही स्टैचू दिखाई देती है जो कि बचपन में उसने देखी थी। तो वो सोचने लगता है कि कितनी बार उसने ये भुलाने की कोशिश की है, कि इतने साल हो गए हैं आज तक वो इन सभी चीजों को भुला नहीं पाया है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता ही रहता है कि आखिर क्या वजह थी कि उस एंजल ने उसकी आंखों को ही जला दिया। उसके दिमाग में ये सारे जो सवाल गूंज रहे होते हैं इसका जवाब तो उसे इस वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला, और 5 साल हो गए हैं और उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। आंखें बंद करने के बावजूद भी उसे एक स्ट्रेंज प्रिसेप्शन एबिलिटी मिली है जिसे वो अपने आसपास हो रही हर चीजों को आसानी से देख सकता है भले ही उसकी आंखें बंद हैं। नको उसे आराम से पता चल जाता है कि उसके अराउंड क्या हो रहा है, और अब तक की सबसे अजीब चीज जो उसके साथ हो रही है वो ये है कि पिछले 5 सालों से उसे अजीब से सपने आ रहे हैं जहां लिंच ही अपने चारों ओर उसी नेवर एंडिंग फॉग को पाता है। उस धुंध ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। उस धुंध के बीच उसे एक अजीब सी मिस्टीरियस बिल्डिंग दिखाई देती है और हर रात के सपने में वो बहुत थका हारा उस बिल्डिंग के दरवाजे पे पहुंच तो जाता है और वहाँ पे नॉक करता है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं बल्कि असाइलम ऑफ गॉड्स है। और ये गॉड्स के असाइलम के बारे में सोचने लगता है कि क्या वाकई में इसके अंदर गॉड्स रहा करते होंगे जिसके अंदर वो शराफ रहता है। लगातार 5 सालों से वो इसी डोर पे नॉक कर रहा है लेकिन उसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन वो जानता है कि उसे जो कुछ जानना है वो इसी दरवाजे के उस पार है जहां उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। और लिंग जी को अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस डोर के उस पार जाना होगा, चाहे इसके लिए इस दरवाजे को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहां लिन ची अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। यहां सब उसे बड़ी ही अजीब सी नजरों से देखते हैं कि एक अंधा भला स्कूल में क्या सीखेगा, लेकिन जो इसके क्लासमेट्स होते हैं वो यहां लिन ची की मदद करते हैं। लिन ची के ये पूछने पर कि वे लोग उसकी क्यों मदद कर रहे हैं, वे लोग बताते हैं कि कल सुबह ही उसकी आंट इन सब से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो लिन ची की मदद करेंगे। इसके लिए लिन ची के आंट ने काफी पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट किया था। अब आगे लिन ची अपने आंट के बारे में सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स के नहीं रहने के बाद बस उसकी आंट ही थी जो उसका ख्याल रखती हैं। वो डेफिनेटली इतनी कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा कि बीते कुछ सालों में उसके साथ जो भी हुआ है इन सब का वो पता लगा सके। इन सारे सवालों के जवाब जानने के बाद लिन ची अपने आंट का फेवर लौटा देगा। अब आगे क्लास टीचर वहाँ पे आती हैं, जो कि इसी दाक्षाई सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। वो इस मिस्टीरियस फॉग के बारे में पढ़ा रही होती हैं, जो कि 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड पे छाया था और आज तक जिसके रहस्य के बारे में कोई नहीं पता लगा पाया है, इसलिए अब इस लेसन को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अब चाइना में तो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो रात के 9 बजे खत्म होती हैं। सुबह होते ही लिन ची के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो घर लौट रहे होते हैं और यहीं से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है।
उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल की किसी पॉपुलर लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही पॉपुलर लड़की उसकी क्रश है और वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसकी ब्यूटी के सभी लोग दीवाने हैं। बागी लिंच ही इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी क्लासमेट से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा। इस पे उसके क्लासमेट उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंटी से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी अच्छी केयर करेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं ताकि तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दें। इस तरह के व्यवहार से लिंची काफी ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि बचपन से ही सभी लोग उसे ऐसा ही ट्रीट करते हैं जैसे वो काफी ज्यादा मेंटली इल है और लोगों के लिए लिंची का मिजरेबल फील करना उसे काफी ज्यादा नापसंद है। लेकिन नापसंद होने के बावजूद भी लिंची को हमेशा इसी फीलिंग का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग हमेशा उसे चारा समझते हुए खामखा की दया दिखाते हैं। अब लिंची को इस बात की आदत हो गई है इसीलिए वो इसको भी इग्नोर करता है। बाकी उनके क्लासमेट्स में एक वोंग नाम का लड़का होता है जो कि अपने घर की तरफ की गली में चला जाता है इन सबको बाय बोलते हुए। लेकिन गली में अंदर जाते ही उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। इधर लिंची और उसके साथ जो सभी क्लासमेट्स होते हैं उन सभी को भी एक अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है। ये जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इन सभी से बर्दाश्त नहीं होती। तभी वो जो वोंग होता है वो डर के मारे इनकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे स्ट्रीट के अंदर कुछ अजीब सी क्रिएचर्स दिखने लगे थे। यहाँ पे चिल्लाते हुए अपने दूसरे क्लासमेट्स को लेता है और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि इस अंधे को यहीं छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ। बाकी के उसके क्लासमेट्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन लिंची के साथ वो लड़की रह जाती है कि तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी जाव को दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आता है उसके हेडक्वार्टर की तरफ। सर बताया जाता है कि रिसेंटली कि स्ट्रीट में एक घोस्ट मॉन्स्टर्स को देखा गया है तो जाव को वहाँ पे जल्द जाना है और उस एरिया के अराउंड एक घोस्ट बैरियर लगा देना है ताकि वो अंदर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर पाए। अब बैरियर सेट करने के लिए जाव वहाँ से निकल पड़ता है उसी गली की तरफ। वहाँ की लोकेशन अभी भी उसे बताई गई थी। आगे हमें उसी घोस्ट मॉन्स्टर को पूरा दिखाया जाता है कि लिंची पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो लड़की ये देख करके वहाँ से भाग जाती है। लिंची अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ अपनी स्टिक का यूज करता है और वहाँ पे देखते ही देखते उस जैसे कई और सारे घोस्ट मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए लिंची वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होते हैं लगातार यहाँ लिंची का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लिंची यहाँ पर उन घोस्ट मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा होता है वो अपने सामने एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि किसी इंसानी पैर को खा रहा था। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स ने यहाँ लिंची को घेर लिया था। दूसरी तरफ हमें उसी जाव को दिखाया जाता है कि बैरियर सेटअप करने के लिए अपने वेपन्स को निकाल लेता है और अपने खून की आहुति देते हुए वो फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है जिससे उस एरिया के अराउंड जहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को देखा गया है वहाँ पे एक चौकोर बैरियर बन जाता है। ये बैरियर ऐसा होता है जिसे इंसान तो पार कर सकते हैं लेकिन वे जो घोस्ट मॉन्स्टर होते हैं जैसे इस बैरियर में टकराएंगे उनका खात्मा हो जाएगा। आगे वो पांचों भी उस जगह पे पहुंचते हैं जो कि मॉन्स्टर हंटर हैं। बाकी ये छह लोग मिलकर तैयार हो जाते हैं उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें लिंची को दिखाया जाता है जिसपे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। अब आगे लिंची उन सब से फाइट करते हुए ये सोच रहा होता है कि जब वो बच्चा था तो रूफ से गिर गया था और चांद को देखते ही वो अंधा हो गया और सभी लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि ये किसी मेंटल बीमारी का शिकार है। जब आज उसके स्कूल का पहला दिन था और वो अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला था उसकी मुलाकात इस जैसे अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स के साथ हो गई। लेकिन वो यहाँ हार नहीं मानेगा और इन मॉन्स्टर्स के हाथों तो यहाँ नहीं मरेगा क्योंकि अभी बहुत सारे रहस्य हैं जिससे उससे पर्दा उठाना है। अब आगे वो इतना सोचते हुए लिंची आत्मविश्वास से भर जाता है और उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट बैक करने लगता है। लेकिन इस फाइट के दौरान वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिंची की आंखों की पट्टी हटा देता है जिससे लिंची को ऐसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि वो हेवन के उसी दरवाजे के बाहर खड़ा है और लगातार वहाँ उस दरवाजे पे नॉक किए जा रहा है। अब उन मॉन्स्टर से लगातार फाइट करते हुए लिंची अपनी आंखें खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अब आगे हम देखते हैं कि उस जैसे दिखने वाले कई सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं। इन्होंने पूरी तरह से लिंची को धर दबोच रखा था और उसके शरीर के हर एक हिस्से को वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लिंची को इससे काफी पेन हो रहा होता है लेकिन आखिरकार अब ऐसा लगता है कि वो गेट खुल चुका है और अंदर कोई ऐसी शख्सियत बैठी होती है जो कि ना जाने कब से लिंची का इंतजार कर रहा है। और इधर हमें फाइट के दौरान लिंची की आंखें भी खुलती दिखाई देती हैं जिसके खुलते ही वहाँ पे एक अपार एनर्जी का ब्लास्ट होता है। अब इतनी ज्यादा तेज एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही होती है कि इस रोशनी को सभी लोग देख लेते हैं और वो जो जाव होता है जिसने अभी अभी वो बैरियर को लगाया था इसी रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ता है।
और समझ जाता है कि ये तो नए फॉरबिडन रियूनियंस की शुरुआत है। और इतनी भयानक एनर्जी को देख के तो यही लगता है कि ये कोई डिवाइन पावर है। हेडक्वार्टर पे बैठा वो इंसान इन्हें बताता है कि ये कोई फॉरबिडन रियूनियंस नहीं, बल्कि ये एनर्जी तो वही पवित्र शेराफ माइकल की है, जो कि किंग ऑफ ऑल एंजल्स है। अब यही वो शेराफ माइकल ही होता है जिसे लिंची ने बचपन में उस मून के आसपास देखा था और उसकी आंखें चली गई थी। उसे शेराफ माइकल ने लिंची की अपनी ये शक्तियां दी थी, जिससे लिंची अब उसी का ही एक डिवाइन एजेंट है। आगे लिंची की आंखों से निकलने वाली रोशनी इतनी भयावह होती है कि वो सारे मॉन्स्टर उससे डर के परे हट जाते हैं। अब यहाँ लिंची ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखें खुलती ही उसे अब वही दरवाजा अपने सामने नजर आता है, जिसे वो पिछले 5 सालों से अपने सपनों में लगातार देख रहा था। दरवाजे के पार इतनी रोशनी होती है कि वो देख नहीं पाता, लेकिन अचानक से उसे 6 तरह के अलग अलग सिंबल्स नजर आते हैं, जो कि गॉड से संबंधित है, जिनके बारे में हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। अब आगे यहाँ एक मॉन्स्टर बढ़ता तो है लिंची पे अटैक करने के लिए, लेकिन लिंची इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि वो उस मॉन्स्टर के हर एक मूव को समझ गया है और उसके अटैक करने से पहले ही वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर डालता है। अब आगे लिंची की काफी शानदार सी फाइट हमें देखते हैं, जो कि एक एक करके वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और बैकग्राउंड में गाइस इतनी ज्यादा अमेजिंग रैप सॉन्ग बज रहा होता है, जो कि इस फाइट के साथ काफी कमाल का लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे फाइट हो रही है और बैकग्राउंड में रैप म्यूजिक बज रही हो, तो ये फाइट कितनी ज्यादा और भी अमेजिंग लगेगी। लेकिन अफसोस कि कॉपीराइट के होने की वजह से आप इस सॉन्ग को सुन नहीं सक रहे हो, लेकिन वाकई में ये काफी अमेजिंग है। अब आगे उस पूरे मॉन्स्टर्स के झुंड का बिजली की तेजी के साथ लिंची यहाँ पे सामना करता है, कि तभी उसकी मदद करने के लिए वो मॉन्स्टर हंटिंग के गैंग वाले भी पहुंच जाते हैं। जो जाव होता है वो अपने शॉट का एक कमाल का स्किल दिखाते हुए वो एक मॉन्स्टर को मार डालता है। इसमें सबसे अमेजिंग मूव मुझे वो लगती है जब वो जाव अपने शॉट को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसका सर लिंची के सामने गिरता है, जिसे जाव अपने पैरों से किक मार के दूर फेंक देता है। और आगे वो लिंची से पूछता है कि अभी अभी मैंने जो किया उसमें हैंडसम दिख रहा था कि नहीं, जिस पे लिंची के ये कहने पे कि हैंडसम दिख रहे थे, वो जाओ उससे कहता है कि सिर्फ हैंडसम दिख रहा था या बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। आगे वो उससे पूछता है तो क्या तुम इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, जिस पे लिंची ये कहते हुए कि मेरा मूड नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही ये थर्ड चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, हमें एक कल्ट को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं। यहाँ पे उस कल्ट का जो मेन बंदा होता है वो अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और अनाउंस करता है। वहाँ हमें ग्रीक मैथोलॉजी के 3 गॉड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक ज्यूस होता है, दूसरा मिकाइल यानी कि पोसाइडन, और तीसरी अथीना होती है। यहाँ नकाब पोष के ये कहती है कि गॉड्स का एक नया एजेंट अपीयर हुआ है और वो मिकाइल का डिवाइन एजेंट ऑफ शिराफ है। इसे ढूंढने का तुम सबको टास्क दिया जाता है, जिसे ढूंढने के बाद सही सलामत उसे मेरे पास लाना होगा। उस डिवाइन एजेंट यानी लिंची के बारे में पूरी खबर फैल जाती है उस कल्ट में और उसे ढूंढने का काम सबको सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, क्योंकि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि जल्द ही सिटी के अंदर वो एक बड़ा डोसेज लाने वाला है। उस ट्रक के कंटेनर में हम देखते हैं कि पूरी कंटेनर उसी तरह की घोस्ट मॉन्स्टर से भरी हुई रहती है, जिसे लेकर के वो सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें लिंची को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट किया है, अपने घर वापस आता है, जहाँ उसका कजन एजिन भी होता है। उसे सवाल करता है कि ब्रदर इतनी लेट क्यों हो गई आपको आने में। उसके कपड़ों से लगे खून से वो भाप जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे अपने भाई के शरीर से खून की दुर्गंध आती है। लिंची उसे जवाब में बस यही कहता है कि रास्ते में उसके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इतना कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है और आज रात की हुई घटना को वो याद करने लगता है कि जब वो उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, तो इन लगातार 5 सालों में जो हर रोज एक ही तरह के सपने देखता है, जिसमें उसे गॉड ऑफ असाइलम दिखता है, जिसके दरवाजे पे वो हमेशा नॉक करता था, लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। आज वो दरवाजा खुल चुका है और अब जैसे ही यहाँ लिंची अपनी आंखें बंद करता है, वो उस दरवाजे के अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो यहाँ पहले आ चुका है। ये जो गॉड का असाइलम है, बिल्कुल उसके मेंटल हॉस्पिटल की तरह लग रहा है। पूरी बिल्डिंग को उसी तरह से बनाया गया है, इवन कि उसके रास्ते भी वैसे ही हैं।
आगे वो जैसे उस असाइलम में घुसता है, वहाँ पे उसे 6 तरह के अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं उन 6 अलग अलग दरवाजों पे। लेकिन जब वो हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, कोई डोर वहाँ पे ओपन नहीं होता, सिवाय एक के जिस डोर के ऊपर एक आधे चांद का साइन बना होता है। जैसे उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर उसे एक वुमेन बैठी हुई दिखती है। वो औरत गुमसुम बैठी हुई होती है। जैसे लिंच उस दरवाजे के अंदर पैर रखता है, ग्रीक भाषा वहाँ पे चेंज होकर के चाइनीज भाषा में बदल जाती है। वहाँ पे टंगे एक पोस्टर से उसे पता चलता है कि ये जो औरत यहाँ बैठी हुई है वो वाकई में एक देवी है, क्योंकि उन्हें ग्रीक मैथोलॉजी के 5 ग्रेटर गॉड्स में से एक है। इसे गॉडेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है, जो की मदर ऑफ ऑल गॉड्स होती है। यहाँ पे उसकी रिकवरी रेट भी दिखाई जाती है, जो की 0% होती है। बाकी लिंची को ये समझ में नहीं आता कि वो जो सामने देख रहा है वो रियल है या फेक है, इसलिए वो उस गॉडेस के कानों में जाकर के उसे कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं। जो देवी होती है उसकी आवाज को सुनते ही अपने ख्याल से बाहर आती है और उसे बेटा कह के पुकारती है। उसे बड़े प्यार से कह रही होती है कि बेटा, मैं तुम्हारा 100 सालों से इंतजार कर रही हूं, और फाइनली तुमने आज मुझे ढूंढ लिया है। वो गॉडेस उठती है और मानो लिंची की तरह पढ़ने लगती है उसे गले लगाने को। अचानक से वो लिंची को वहां से पार करते हुए एक कोने में रखे पॉट को चाक पकड़ती है और उसे ही अपना बेटा समझने लगती है। अब आगे वो जो गॉडेस होती है वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वहां पे वो कुर्सी पे स्टॉल के जाती है और अपने दूसरे बच्चे को इमेजिन करने लगती है। वो उसे हैप्पीनेस कहते हुए बताती है कि देखो, तुम्हारा भाई लौट आया है। अब लिंची उसकी हरकतें देख करके समझ जाता है कि ये बहुत बीमार है और किसी मेंटल इलनेस से ग्रस्त है। ये सीन यहीं कट होता है और हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर की हंटिंग किया करते हैं। इनमें टोटल 6 बंदे होते हैं और इनका काम होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो अचानक देखे गए इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स, यानी कि जो मॉन्स्टर होते हैं, उनका हंट करना। आज रात जो उन्होंने लिंची को देखा है, जो कि एक डिवाइन एजेंट है सिराफ का, इसके बारे में जाओ कह रहा होता है कि वो जल्द ही उस डिवाइन एजेंट को ढूंढ लाएगा। लड़के ने एक स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, मतलब कि वो आसपास के ही किसी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट है, वो तुरंत ही उसे ढूंढ लेगा। अब अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ जाओ ने उस स्कूल को ढूंढ लिया होता है जहाँ पे लिंची स्टडी करता है। स्कूल के बाहर यहाँ पहरा देता है ताकि लिंची को पिकअप करके हेडक्वार्टर्स पहुँचाया जाए और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाए, इससे पहले कि दूसरे कल्ट वाले इसे ढूंढ पाए। लेकिन यहाँ उसका ध्यान एक छोटे से बच्चे के कारण भटक जाता है और उसी वक्त लिंची जो होता है स्कूल में चला जाता है। स्कूल में वो वहाँ की किसी एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर को वो बताता है कि मेरी एक दोस्त है कि एक पॉट को अपना बेटा मान रही है, वो आखिर किस बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर उसकी बीमारी के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ उसे रिकमेंड करके देता है। उस बीमारी के बारे में बताता है कि ये एक तरह का सर्व डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है। मैं पेशेंट एक ऐसे ट्रॉमा से सफर करता है जिसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसकी बीमारी के जड़ तक पहुंचना होगा। इसका ड्यूअल ट्रीटमेंट के लिए उसे मेडिकेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल गाइडेंस की भी जरूरत होगी। यहाँ पे लिंची जो होता है इस बीमारी के बारे में पूरी रिसर्च करने लगता है। सारा टाइम वहाँ लाइब्रेरी में ही बिताता है कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जाए। और इधर दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो अभी भी स्कूल के बाहर ही था। यहाँ पे वो अभी भी लिंची के बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है। उसे फाइंड आउट करने के लिए उसने उसकी एक फनी सी पिक्चर भी बनाई होती है, जिसे वो हर एक स्टूडेंट को दिखा रहा होता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। यहाँ हेडक्वार्टर से उसे कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्द से जल्द करनी होगी। जहाँ उसे हेडक्वार्टर से कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्दी करनी होगी, वरना काफी देर हो जाएगी। अब आगे लिंची उस असाइलम ऑफ गॉड से मेंटली कनेक्ट हो चुका था, इसलिए जब भी वो अपनी आंखें बंद करेगा उस गॉड ऑफ असाइलम में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए मेडिसिन को वो उस गॉडेस को खिलाता है। उसे कंसोल करने की कोशिश करता है ये कहते हुए, माँ मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ गॉडेस ऑफ नाइट को लगता है कि उसका बेटा थानाडोस वापस आ गया है, वो भी 3000 साल के बाद, और उसे ही अपना बेटा मानते हुए वो गॉडेस बहुत ही रोती है। इससे अब इसकी मेंटली स्टेट जो होती है वो 3% से इम्प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे लिंची को एक आवाज़ सुनाई देती है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस 3% से बढ़ चुका है, के कारण लिंची ने एक रिवॉर्ड ऑब्टेन किया है। अब ये कौन सी एबिलिटी उसे मिलेगी, इसके लिए एक नेक्स्ट डिवाइन व्हील रैंडमली घुमाई जाती है। इसमें बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज लिखी होती हैं।
अब वो जो सुई होती है एक खास एबिलिटी के ऊपर रुकती है, जिसमें लिंची की जो ताकत है वो रात में 5 गुना ज्यादा स्पीड हो जाएगी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। उसकी ना केवल स्पीड के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी जिससे वो किसी भी तरह का लचीलापन अपने बॉडी में ला सकता है। अब यहाँ लिंची को हम उसी रात में अपनी इस स्ट्रेंथ को आजमाते हुए देखते हैं, जिस तरह के स्पाइडरमैन ने ताकत मिलने के बाद उसे आजमाया था। रात में घूमने वाले जितने भी मैथिकल क्रिएचर्स होते हैं उन सभी से लिंची ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही उसे ये भी एबिलिटी मिलती है कि वो रात में घूमने वाले हर एक एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ हम लिंची की स्पीड को देखते हैं जो कि एक ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। अब अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने में उसे बड़ा मजा आ रहा होता है, और इस स्किल के कारण वो अब एक यूनिक किंग ऑफ डार्क नाइट बन चुका था। अब यहाँ लिंची जो है अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हुए वो उस एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। उसे कुछ नहीं होता, वो मानो ऐसा उतर जाता है जैसे कि हवा में तैर रहा हो। अब आगे हमें यहाँ इस सीरीज के मेन प्लॉट को रिवील किया जाता है, और वो ये है कि उस गॉड ऑफ असाइलम में टोटल 6 गॉड्स को इम्प्रिजन यानी कि कैद किया गया है। लिंची अगर अपने सारे सवालों के जवाब जानना चाहता है तो उसे हर एक गॉड को कि मेंटली इल है और किसी डिजीज से परेशान है उन्हें का इलाज करना होगा। ऐसे ही हर एक गॉड की ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस होगा, उसे हर एक गॉड से एक अलग अलग तरह की लेबिलिटीज लर्न करने को मिलेगी। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि बाकी के डोर्स को वो कब ओपन करेगा। स्पेशली वो एक खास किस्म के डोर के पास जा रुकता है जहाँ पे एक अजीब सा पैटर्न था। वो इस डोर के अंदर जाके देखना चाहता था कि यहाँ कौन सा गॉड है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बारी बारी से सारे दरवाजे खोलने का मौका मिलेगा। कि तभी अचानक से यहाँ लिंची की आंखें खुलती है और उसके सामने एक बैट आता है। इस एबिलिटी के कारण वो रात में घूमने वाले हर एक जानवर से बात कर सकता है, इसीलिए वो चमगादड़ जो है यहाँ लिंची को एक इन्फॉर्मेशन देता है। और अब लिंची उस चमगादड़ को फॉलो करते हुए टी ट्रक के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसका ड्राइवर को प्रेशर आती है और वो अपने आप को हल्का करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। लिंची जो होता है वो उसकी ट्रक की तलाशी लेने लगता है। उसके अंदर से वो घोस्ट मॉन्स्टर थे और वो निकलने के लिए बेकाबू हो रहे थे। अब आगे जैसे ही लिंची वो एक रॉड से उस कंटेनर को खोल देता है कि तभी वो ड्राइवर भी वहाँ पे आ जाता है। ची और वो ड्राइवर एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं वो एक दूसरे ही को समझ पाते हैं कि यहाँ का शायद वॉचमैन होगा। अब आगे वो कंटेनर धड़ल्ले से ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारे घोस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि लिंची पे अटैक करने लगते हैं। ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो ह्यूमंस का ही शिकार करते हैं, इसलिए लिंची को खाने के लिए उस पे टूट पड़ते हैं। बाकी वो जो ड्राइवर होता है वो भी एक अजीब तरह सा वेपन निकाल लेता है और लिंची पे ही अटैक करने लगता है। लिंची ने अभी अभी जो स्ट्रेंथ गेन की होती है इसी एबिलिटी का वो यूज करके उन सारे होस्ट मॉन्स्टर्स से वहाँ पे फाइट करता है, और मात्र कुछ ही सेकंडों में वो उन सब को अकेले ही वहाँ पे पछाड़ देता है। लेकिन वो जो ड्राइवर था अब लिंची के पीछे पड़ जाता है, वो एक चेन को अपने वेपन से तोड़ देता है। एक भारी भरकम कंटेनर लिंची के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी लिंची अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो इस अटैक से बच जाता है। आगे यहाँ लिंची उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है। उस ड्राइवर ने एक अजीब सा वेपन जो अपने हाथ में लिया होता है उससे वो लिंची के रॉड को तोड़ देता है। लिंची अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन गिरते हुए लोहे के टुकड़ों को अपने पंजों में फंसा लेता है और फिर अपने मुक्के से अटैक करता है वो उस ड्राइवर पे। मात्र उसके बस एक ही पंचे से बाकी बचे हुए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पे ढेर हो जाते हैं, और अकेला वो ड्राइवर बच जाता है जो अब लिंची से बच के भाग रहा था। अब यहाँ लिंची उसे भी पछाड़ डालता है, लेकिन तभी उसे पुलिस के आने की सायरन सुनाई देती है। तब इन मामले में वो पढ़ना नहीं चाहता था, इसीलिए लिंची वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे इस तरह के मामलों में नहीं पढ़ना है, इनसे थोड़ा बच के ही रहना है। कि तभी एक बिल्डिंग को पार करते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो सीधा नीचे गिरते हुए जाओ के गोद में आ जाता है। जाओ उसे देख करके पूरा अचंभे से भर जाता है कि आज दिन भर जिस लड़के की उसने तलाश की है वो तो उस स्कूल के बाहर उसे मिला ही नहीं और इस तरह गलियारे में उसकी गोद में आके टपक गया है। अब आगे यहाँ पे जाओ को लिंची से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, इसीलिए वो अपने साथ उसे एक मोटल ले जाता है। अब वहाँ पे लिंची को वो एक कमरे में ले जाता है और उससे एक पे एक सवाल दागने लगता है। क्या तुम उस गॉड माइकल से मिले हो? तो आखिर गॉड माइकल तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिरकार उस गॉड माइकल ने तुम्हें कौन सी एबिलिटीज दी हैं? जिस पर लिंची उसे कहता है कि तुम इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, तो आखिरकार इस वर्ल्ड में गॉड हैं, एग्जिस्ट करते हैं? अब जाओ इस बात से इनकार नहीं करता, वो बताता है कि हाँ इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी गॉड एग्जिस्ट करते हैं।
आगे वो एक हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि 1920 में इस पूरे वर्ल्ड पे एक स्ट्रेंज किस्म की फॉग ने अटैक किया था और वो फॉग चारों तरफ से फैल चुकी थी और उसने हमारी इस दासिया सिटी को एक आइसोलेटेड आइलैंड में बदल दिया था, ऐसा सुनसान आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं रहता हो कि अचानक से 2 सालों के बाद यानी कि 1992 में सबसे पहला मिथिकल क्रिएचर देखा गया। ये क्रिएचर एक ड्रैगन था जिसका नाम लिवियाथान था। उसके बाद से ही कहा जाता है कि कई सारे लेजेंडरी गॉड्स अब हम पे अपनी पैनी नजर से ऑब्जर्व हमें कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे उस स्ट्रेंज हमले के बाद बहुत सारे गॉड्स को यहाँ पे देखा गया जिनमें से एक सिराफ भी था, दूसरा माइकल होता है और इसी तरह के वो 3-4 और गॉड्स के नाम लेता है। आगे वो बताता है कि जब एक गॉड यहाँ पे अपेयर हुआ था तो उसने अपने एक शॉट से एक फटते हुए ज्वालामुखी को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था। उस ज्वालामुखी के 2 भागों में बटने के बाद उसके अंदर से एक और गॉड अपेयर होता है जो कि कई 100 सालों से उस वॉल्केनो के अंदर सील्ड था। कि वो बताता है कि ये जो सारे गॉड्स थे वो एंजल लूसिफर को फॉलो करते थे। इन सब बातों को सुनते हुए यहाँ पे लिंगशी के मुंह से बस यही निकलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे जाओ से बताता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग बताना बाकी रहा है। आगे वो अब 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बताने लगता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस फॉग के बारे में कि आखिर ये घटना क्यों घटी है इसके बारे में रिसर्च किया। उन्होंने टोटल ऑब्जर्व किया है कि ये जो गॉड्स की संख्या है वो 100 से भी ज्यादा है क्योंकि उनके सभी मैथोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, लेकिन गॉड ऑफ दक्ष के बारे में किसी को नहीं पता। के बारे में लिंची पूछता है कि आखिर उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता। इस पे जाओ से जवाब देता है कि पता नहीं, बस गॉड ऑफ दक्ष के बारे में कोई नहीं जानता। आगे वो बताता है कि हर एक मैथोलॉजिकल सिस्टम में उसने देखा है कि उन्हें अभी तक गॉड्स ऑफ दक्ष के बारे में नहीं पता। इसलिए आप सभी का यही मानना है कि हो सकता है कि गॉड्स ऑफ दक्ष अब डिसअपीयर हो चुके हों। उनके डिसअपीयर होने के पीछे उसी घटना का हाथ है जिसमें 1920 में जब से वो स्ट्रेंज सी फॉग इस पूरे दक्ष सिटी को घेरा है से उनका कोई अता पता नहीं। लगता है कि वो घने कोहरे की धुंध उन्हें भी निकल चुकी है। आगे वो बताता है कि लेकिन कुछ ही सालों में हमने कुछ ऐसा ग्रेजुअली कंफर्म कर लिया है, बहुत ही जल्द जो गॉड्स ऑफ वेस्ट जो हैं वो दाक्षिया में एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही लिंच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनता है उसे तो लगता है कि ये जो जाओ है ये दूसरी ही दुनिया की बातें कर रहा है और उस जाओ से कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें भी कोई मेंटल इलनेस की बीमारी है इसीलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हो। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके पास वही ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदे पहुँचते हैं। वहाँ पे ये सारा नजारा देख करके समझ जाते हैं कि मात्र सिर्फ उसी लड़के ने अकेले ही इन सारे घोस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। बाकी जो उनका हेड होता है किसी अनजान बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कॉल करता है। इन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस कॉल को उठाने वाला कोई नहीं होता और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है एलियन जीव जो होता है उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, जिस पे जाओ अब बताना शुरू करता है कि जिस साल से वो मिस्टीरियस सी फॉग इस पूरे इलाके में फॉल आउट हुई है तभी से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो बच्चे अपने अंदर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को अवेकन कर सके और ये सब उस स्ट्रेंज फॉग का साइड इफेक्ट हो सकता है जिसके कारण तुम्हारे अंदर भी इसी तरह की एबिलिटीज हों और इसी एबिलिटी को फॉरबिडन रूइंस कहा जाता है। आगे वो इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए फर्दर उसे बताने लगता है, हमने इस वर्ल्ड के सभी रेल्म्स को 6 रेल्म्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जान रेल्म में हैं। इससे यहाँ लिंची को ये समझ में आ जाता है कि ये 6 रेल्म जो है कहीं वो 6 दरवाजे को रिसेम्बल तो नहीं करते जो कि उस गॉड असाइलम में है। आगे जाओ उसे बताने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो एबिलिटीज है उसे फॉरबिडन रूइंस नहीं कहा जा सकता है, इसे कुछ और नहीं बल्कि सेंजो कहेंगे। तुम उस एंशिएंट गॉड शिराव मिकाइल द्वारा चूज किए गए डिवाइन एजेंट हो जिसके कारण तुमने उसकी डायरेक्ट एबिलिटीज को ओन किया है, तो आखिर शिराव माइकल ने तुम्हें चूज क्यों किया। जिस पे लिंची उसे बताता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और बचपन में मैंने सिर्फ उसकी एक झलक ही देखी थी। जाओ उससे पूछता है कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, वो शिराफ मिकाइल सिर्फ तुम्हें ही देखे, जरूर उसने तुम्हें कुछ न कुछ बताया होगा कि आखिर उसने तुम्हें अपना डिवाइन एजेंट क्यों चूज किया है। हो सकता है कि तुम उसके बारे में भूल गए हो या तो फिर मुझे बताना नहीं चाहते। जिस पे लिंची उससे कहता है कि मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा और वैसे भी ये फॉरबिडन रूइंस या सैक्रेड रूइंस जिनके बारे में तुम अभी मुझे बता रहे हो क्या ये तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल एजेंट बनाया गया है, क्योंकि मैंने उस रात तुम्हें भी देखा था, तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिनके कारण तुम एक ही क्लिक में उन सारे मॉन्स्टर्स को किस तरह से चॉप कर रहे थे।
जिस पे जाओ उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी इस तरह की महान पावर को ऐसे ही पा सकता है, या तुम्हारे अंदर जो पावर है जिसे सेंजो कहते हैं वो कोई भी ओन कर सकता है, क्योंकि ये सेंजो की पावर जो है सिर्फ दाक्षा के एजेंट ऑफ गॉड्स को ही दी जा सकती है। रही मेरी बात, तो मेरे अंदर कोई भी ऐसी स्पेशल फॉरबिडन रूइंस की ताकत नहीं है, मैं बस एक स्पेशल सोल्जर हूँ जिसे काफी ज्यादा लड़ाइयों के एक्सपीरियंस है, या तो तुम मुझे बस एक ऑर्डिनरी इंसान समझ सकते हो। मेरे अंदर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उस फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स के पावर को यूज करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे एक सूटकेस दिखाता है जिसके अंदर हम उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका यूज करके उसने पिछले एपिसोड में एक बैरियर बनाया था ताकि वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर से बाहर ना निकल पाए। जो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें वॉचमैन कहा जाता है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नाइट वॉच टीम का एक सोल्जर हूँ जिसे तुम एक नाइट वॉचमैन कह सकते हो। अब ये सुनते ही लिंची वहाँ से उठता है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हम उस जाओ को देखते हैं जो अभी लिंची का पीछा कर ही रहा होता है, और वो पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज करने के लिए जहाँ जहाँ जा रहा होता है वो उसके पीछे जाता है, और बिना उसके पूछे ही ये बताने लगता है कि तुमने तो मुझसे कोई भी सवाल नहीं किए हैं, मैं कौन हूँ और मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आखिर मकसद क्या है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें ये सब जानने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं है। जिस पे लिंची ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, और अगर मैं इसके बारे में ज्यादा जान गया तो दो ऑप्शन मेरे लिए हो सकते हैं, या तो मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ या तो फिर उसे एक राज ही रखूँ जिसके बारे में किसी को ना बताऊँ, और अगर इस राज के बारे में किसी को पता चल जाता है तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। लेकिन हम जाओ को देखते हैं जो यही नहीं रुकता, फिर भी उसे बताने लगता है कि हम एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे जैसे कई सारे बंदे इसमें काम करते हैं जिन्हें सोल्जर्स कहा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें से पोलाइटली पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इसे ज्वाइन करना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट को साइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स के साथ साथ इस वर्ल्ड में कई सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, लेकिन ये दाशिया भी इस तरह की चीजों से अछूता है और इसीलिए हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे लगातार कुछ न कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं, और इन्हीं का पता लगाने के लिए हमारी जो नाइट वॉचमैन की टीम है वो काम करती है, क्योंकि दिन ब दिन वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो लगातार जो अपेयर हो रहे हैं वो और भी ज्यादा क्रूर होते जा रहे हैं, और इनके पीछे कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन जल्द ही हमें ये लगता है कि यहाँ फ्यूचर में एलियंस का आक्रमण होने वाला है। सिटी में जो तुम इतनी आराम से जिंदगी जी रहे हो और इतने आराम से सुकून के साथ शांति में ये जो गेम खेल रहे हो और यहाँ की जो आबादी इतने आराम से रह रही है, ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है जिन्होंने अब तक की यहाँ की शांति बनाई रखी है मॉन्स्टर्स को रात में हंट करके। और आगे वो उससे कहता है कि इसीलिए अब मैं नाइट वॉच टीम नंबर 136 से तुम्हें सिंसियरली इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम मिकाइल के डिवाइन एजेंट हो, हमें ज्वाइन कर लो, एक ग्रेट हीरो बनो जो कि वर्ल्ड को सेव करेगा। लेकिन लिंची उसके ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक आंट है जो मुझे पिछले 10 सालों से मेरी केयर कर रही है, साथ ही मेरा एक छोटा भाई भी है और उसका एक कुत्ता भी है, और बस यही मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरी फैमिली है और मैं इसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता के बाद यही रिश्तेदार मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि अब मेरी इकलौती फैमिली बची है और पिछले कई सालों से मेरी आंट की हालत अब बहुत ज्यादा काम करते हुए खराब होती जा रही है, इसलिए मुझे वर्ल्ड को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी ये छोटी सी फैमिली ही मेरी पूरी दुनिया है। अब आगे हमें लिंची को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, तो दूसरी तरफ जो असाइलम वाली जो गॉडेस होती है उसकी भी रिकवरी रेट अब 3% से 6% हो चुकी थी, क्योंकि लिंची उसका काफी ख्याल रख रहा होता है। दूसरी तरफ जाओ का जो कैप्टन होता है वो उस पे प्रेशर डालता है कि अब हम और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी लोग एक नए घोस्ट फेस मैन को ढूंढ रहे हैं जो कि जल्दी सिटी में अपेयर होने वाला है, और इसने और उसे निपटने के लिए उन्हें इस डिवाइन एजेंट गॉड की जरूरत होगी। अगर वो अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो जाओ का कैप्टन उसे ये ऑर्डर देता है कि उसे फोर्सफुली ज्वाइन करवाया जाए। आगे हमें उसी चर्च के एंशिएंट गॉड्स के एक मेंबर को दिखाया जाता है, और यही वो बंदा होता है जो कि मॉन्स्टर्स को तैयार कर रहा होता है उस सिटी पे आक्रमण करने के लिए। वो उन मॉन्स्टर्स को एक अजीब सी चीज खिलाता है जिसे खाने के बाद वो और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं, अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। दूसरी तरफ अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि लिंची को समझाने के लिए अब उसके घर भी पहुंच चुका होता है, और यहाँ वो उसकी फैमिली से घुलने मिलने भी लगता है। लिंची जब अपने घर में उस जाओ को देखता है तो उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले आता है, पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला।
और मैंने भी एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी फैमिली से दूर रहना होगा। अब आगे जाओ यहाँ उसके सामने दो चॉइसेस को रखता है। उसके सामने वो ऑर्गेनाइजेशन की बैच और पैसे रखता है और उसे कहता है कि देखो तुम गॉड ऑफ एजेंट हो, इसीलिए चर्च ऑफ एशियन गॉड्स के बंदे भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और मैं तो तुम्हें यहाँ प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये पैसे रखो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, वरना जिस फैमिली की रक्षा तुम करना चाहते हो उन्हें मैं ऑन द स्पॉट ही किल कर दूंगा। अब ये सुनकर लिंच ही पूरी तरह से घबरा जाता है, जिसपे जाओ उसे कहता है कि अरे डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और अगर वाकई में तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, लेकिन तुम ऐसा चाहते हुए भी इन मामलों से दूर नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम अब एक एजेंट ऑफ गॉड हो जिसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, स्पेशली वो जो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तो तुमसे इतनी अच्छी तरीके से पेश आ रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो भी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन उनका तरीका हमारे से कई ज्यादा गुना भयानक होगा। आगे जाओ यहाँ अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि बस तुम ही ऐसे अकेले नहीं हो जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ। मेरे भी फादर की एक इलनेस की वजह से जब मैं 6 साल का था तब उनकी मौत हो गई थी, तो मेरी माँ ने काफी मुश्किलों के साथ मुझे पाला है, वो 2 जॉब्स किया करती थी ताकि वो मुझे पाल सकें, पर मैं उनके लिए ही कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर बना जो कि मेरा ड्रीम भी था। आगे वो लिंच ये को समझाने की कोशिश करता है कि तुम हम लोगों से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन हम अभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें किस राह पे जाना है ये चुनने का अधिकार बस तुम्हारा है, तुम अपने इस छोटे से घर को और परिवार को चूज कर सकते हो और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कैप्टन और बाकियों को समझा दूंगा। अब ऐसा कहते हुए वो जाओ वहाँ से जाने लगता है, जिसपे लिंची उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। यहाँ जाओ उन पैसों को उसे देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इसकी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन लिंची यहाँ पे काफी खुददार होता है, वो उससे पैसे नहीं लेता ये कहते हुए कि मैं तुमसे कोई फेवर ओन नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इन पैसों को नहीं रख सकता। अब आगे लिंची उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिसपे जाओ उसे बताता है कि मेरा बस एक छोटा सा सपना होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रेट जनरल बनूं जिसके छाते पे कई सारे मेडल्स लगे हों, और एक ऐसा हीरो बनूं जिसने वर्ल्ड को बचाया हो, और फिर इसी शान के साथ मैं अपने विलेज वापस लौटूंगा, मेरी माँ और पूरे गांव वालों को मुझ पे गर्व होगा जो मैं करता हूँ दुनिया को बचाने के लिए उस पे। अब आगे जाओ लिंगजी को ज्यादा फोर्स नहीं करता और वहां से चला जाता है, जिसपे लिंगजी वापस आता है और उसे बताता है कि तुम इस मैच को भूल गए हो। आगे जाओ लिंची से ये कहते हुए कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे, वो भी मुझसे कई गुना ज्यादा। अब ये शुभकामनाएं देने के साथ वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि अभी अभी उसके एक मिशन है जो उसे पूरा करना है। अब आगे हमें उसी मिशन को दिखाया जाता है, यहाँ जाओ को कैप्टन इन्फॉर्म करता है कि होंगक्यून के साथ बाकी के लोग भी अपनी पूरी ताकत के साथ सर्च कर रहे हैं कि उन लोगों ने एटलीस्ट 5 से भी ज्यादा इस तरह के मॉन्स्टर्स देखे हैं पूरी सिटी में, सो उन्हें रोकने के लिए जाओ को अभी एक बैरियर बनाना होगा, लेकिन जाओ की पूरी टीम को यहाँ पहुँचने में अभी काफी टाइम लगेगा, और तब तक उसे बस इतना करना है कि उस बैरियर के जरिए उस मॉन्स्टर को वहीं तक रोकना है ताकि वो सिटी के आबादी वाले इलाके में जा करके कोहराम ना मचा सके। लेकिन जाओ उनकी एक नहीं सुनता और वो खुद अकेला ही वो मॉन्स्टर जो कि एक घोस्ट फेस का किंग है उसे भिड़ने के लिए सामने उतर पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जाओ ने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया होता है कि भले ही इस फाइट में आज वो सेक्रीफाइस क्यों ना हो जाए, उन लाखों लोगों की जान बचा लेगा जो कि अभी इस सिटी में शांतिपूर्वक जी रहे हैं, और उस बैरियर के सामने उस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए अकेला खड़ा रहेगा आखिर लाखों लोगों की वो सुरक्षा कर सके। आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस बैरियर पे लगातार अटैक्स कर रहा होता है उसे तोड़ने के लिए, यहाँ जाओ भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब वो जो घोस्ट फेस किंग होता है उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके कारण अब जो जाओ होता है वो उस पे अपने तलवार से अटैक करने लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हम एक बहुत ही भयानक और जबरदस्ती फाइट को देखते हैं जो कि काफी अमेजिंग होता है गाइज। यहाँ पे जो जाओ होता है वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे भारी पड़ता है और अपने एक ही पंच से उस पे ऐसा अटैक करता है कि जाओ यहाँ पे पीछे चला जाता है। आगे जाओ उसे कहता है कि भले ही तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो सकते। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके अंदर फॉरबिडन रूनस की ताकत होती है, उसने सीक्वेंस 176 का यूज किया होता है के कारण जाओ को यहाँ काफी कंफ्यूजन होने लगती है और उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि सारी बिल्डिंग्स अब यहाँ उलट पुलट हो चुकी हैं। तो ये सीन हमें बिल्कुल ही डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के फाइटिंग सीन की तरह लगता है, जहाँ पे सारी बिल्डिंग आपस में एक से एक जुड़ रही होती है और क्या आसमान होता है क्या जमीन, हमें काफी कंफ्यूजन होता है।
कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ जाओ से मुकाबला करने के लिए अपने क्लोन्स भी बना लिए होते हैं। जाओ फाइट कर रहा होता है और लेकिन यहाँ समझ जाता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, काफी चालाक है और इसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए वॉर्पिन एंड रियोन्स के इस तरह के स्पेस कंफ्यूजन का यूज किया है, जिसके कारण अब जाओ की स्पीड भी काफी कम हो चुकी थी। आगे उस मॉन्स्टर ने जो फोर्सफुली इन फॉरबिडन रुइंस की ताकत को अनलॉक कर दिया होता है, इसके कारण जाओ को उसे फाइट कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर से यहाँ कहता है कि इतनी देर तक मैं तुमसे तो फाइट कर सकता हूँ जबकि मेरे कैप्टन और मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे लौट ना आए। आगे उस मॉन्स्टर ने एक ऐसी एबिलिटी का यूज किया होता है जो की चर्च ऑफ एशियन गॉड के उस बंदे ने उसे दिया होता है, जिसके कारण वो कई सारी बिल्डिंग्स को इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा किए हुए उस बड़े से मलबे से जाओ पे अटैक करता है, जिसे जाओ अपनी तलवार से यहाँ पे रोकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जाओ पे अटैक करने में कामयाब रहता है, वो उस पे ऐसा अटैक करता है जिसके कारण जाओ के रिब्स टूट जाते हैं और उसकी हड्डियाँ उसके शरीर से बाहर निकल जाती हैं और वो इंटरनली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। आगे वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर उसके पास भी फॉरबिडन रूनस की ताकत होती तो वो इस मॉन्स्टर को अब तक 800 बार मार चुका होता। लेकिन अफसोस वो एक आम सा सोल्जर है जिसे नाइट वॉचमैन कहते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक जाओ पे करता है और ये सीन यही चेंज होता है कि हमें लिंची को दिखाया जाता है जिसके पास वही बैठ आता है और ये सारी खबर उसे बताता है। लिंची बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल जाता है यहाँ जाओ को बचाने के लिए। यहाँ उसका यंगर ब्रदर उसे रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन लिंची यहाँ पे नहीं रुकता और वो निकल पड़ता है जाओ को यहाँ पे ढूंढने के लिए। रास्ते में उसे जाओ की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। इसमें वो उसे बता रहा होता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी सा बंदा है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मामूली सा नाइट वॉचमैन है। अब अगली सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अंधाधुंध यहाँ जाओ को पीट रहा होता है। अब लास्टली वो उसकी जान लेने ही वाला होता है उसके शरीर के दो टुकड़े करते हुए कि तभी हमें उस बैच के बारे में बताया जाता है जो कि हर एक सोल्जर को दिया जाता है। ये एक तरह का नाइट वॉच क्रिस्ट होता है जो कि किसी सोल्जर को दिया जाने वाला स्टेटस सिंबल है और ये कोई बैच नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट वेपन होता है किसी भी नाइट वॉचमैन के लिए। आगे वो अपने शॉट से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है लेकिन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि अब वो यहाँ पे जाओ को कुचलने ही वाला होता है। तभी जाओ के पास हम उसी वॉच क्रिस्ट को देखते हैं तो ये कहते हुए उससे निकलती हुई सुई को अपने हाथों में इंसर्ट कर देता है। इस पल का उसने हमेशा से इंतजार किया था और आज वो फाइनली आ चुका है। जैसे ही वो उस वेपन को अपने हाथों में इंसर्ट करता है उसके रगों में जैसे एक भयानक एनर्जी प्रवाह करने लगती है। उसमें एक ऐसी ताकत आ चुकी होती है कि वो उस मॉन्स्टर को ललकारता है। इधर दूसरी तरफ लिंची भी पहुंच चुका होता है और अपने एक ही हाथों से उस बैरियर को तोड़ करके अंदर चला जाता है। लेकिन अपने सामने वो जो नजारा देखता है वो देख करके दंग रह जाता है। जाओ ने अपनी तलवार का यूज करके उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट दिया था और यहाँ जाओ के पास तो कोई भी फॉरबिडन रूनस नहीं होता है लेकिन हम उसे ये कहते हुए देखते हैं कि वो फॉरबिडन रूनस सीक्वेंस 83 यूज कर रहा है, जिसे सुन के लिंची उसे कहता है कि बट तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरबिडन रूनस की ताकत नहीं है। जिसपे जाओ उसे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आ गए, जिसपे लिंची उसे बताता है कि मैंने उस बैरियर को बस घूरा और वो टूट गया। अब आगे जाओ उसे यहाँ कहता है कि ठीक है जब तुम आ ही गए हो तो मेरी इस तलवार को देखो, तुम्हें ध्यान से इसे देखना है कि ये क्या कर सकती है और इसे यूज करते हुए मैं कितना शानदार लगता हूँ। अब आगे जाओ ने उस फॉरबिडन रूनस की जो ताकत का इस्तेमाल किया होता है जिसके कारण उसे एक अमेजिंग शॉट स्किल मिली होती है। आगे जैसे ही वो इस स्किल का यूज करता है हम उसे चांद पे ग्रहण लगता देखते हैं और आगे हमें जाओ की कमाल के तलवारबाजी देखने को मिलती है जिसमें उसकी शॉट जो होती है वो एक ग्लोइंग वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही स्ले में उस मॉन्स्टर को हराते हुए उसके टुकड़े कर डालता है। आगे जाओ यहाँ लिंची से पूछता है कि अब बताओ मैं हैंडसम लग रहा था कि नहीं और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा था। अब इतना कहते ही वो सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर ढूंढता है। लिंची उसे जब वो लाइटर ऑफर करता है तो देखता है कि वो जो जाओ है वो अब जमीन पे गिर चुका है। उसकी हालत काफी खराब है, उसकी बॉडी में काफी इंटरनल इंजरीज आ गई हैं, जिसके कारण अब वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। इस पे लिंची उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करता है लेकिन जाओ उसे ये कहते हुए रोक डालता है कि ये कहते हुए कि ये उसका बस साइड इफेक्ट है क्योंकि जैसे हम उस बैच को यूज करते हैं एज अ वेपन, इसके बाद इस वेपन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे पता था कि इसका यूज करने के बाद मैं नहीं बचूंगा, फिर भी मैंने इसे यूज किया ताकि उन लाखों लोगों की जान बचा सकूं जो कि शांति से इस सिटी में जी रहे हैं। आखिर वो अपने कैप्टन के बारे में बताता है कि उसका जो कैप्टन जोंग मियू है, उस कैप्टन के साथ साथ उसके जितने भी साथी हैं उन सभी के पास फॉरबिडन रूइंस की ताकत है, जिसके कारण उसे पता था कि उसे एक न एक दिन ये एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी जान यूं गंवानी पड़ेगी और आखिरकार उसने उन हाई रैंक फॉरबिडन रूइंस का आज एक्सपीरियंस भी कर लिया।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे जो मेडल्स मिलेंगे उन्हें पहनने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और इस बात का मुझे पछतावा है कि अब मैं कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। जिसमे लिंच उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें जीना पड़ेगा ताकि उन मेडल्स को पहन करके तुम अपनी माँ से जा मिलो। तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा किए बगैर न्यू नहीं मर सकते। अब आगे हम जाओ को देखते हैं जिसने अपनी आखिरी सांसें ले ली थी और अपनी आंखों को बंद करता है, लेकिन उसके आखिरी शब्द बस यही होते हैं, अभी भी तुमने मुझे इस तरह से जो फाइट करते हुए देखा तो क्या मैं उसमें हैंडसम लग रहा था। जिसमें लिंची उसे यही कहता है कि तुम बहुत कूल लग रहे थे और आज तक मैंने ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा, और ना ये दुनिया जान पाएगी कि तुमने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आगे हमें उसी बैच को दिखाया जाता है जिसमें इसी तरह की कार्विंग की होती है कि किसी अंधेरी रात में मैं यूं खड़ा रहूंगा उन लाखों लोगों को बचाने के लिए जो कि किसी खतरे में पड़े हैं, चाहे सारा आसमान ही मेरे खून से क्यों ना रंग जाए। अब उस बैच में लिखे पोएट्री ने लिंची को और भी ज्यादा उदास कर दिया होता है, और वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर जाओ ने अपने आप को यूं सेक्रीफाइस क्यों किया, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इसकी सेक्रीफाइस के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। और तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस वर्ल्ड में सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो उस पर गुस्सा जताने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जाओ यहाँ पे दम तोड़ चुका होता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है जिसका सर धड़ से अलग हो चुका होता है वो अब भी जिंदा था, और वापस से उसने अपने सर को रीइनकार्नेट कर लिया होता है। और इससे पहले कि वो लिंची पे यहाँ अटैक करने के लिए आगे पड़ता, लिंची अपने डिवाइन गॉड एजेंट की पावर को समन करता है, जिसके कारण वो अब हवा में तैरने लगता है। और जब वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है वो एक ऐसी एनर्जी से शील्ड हो जाता है जिसे वो मॉन्स्टर टच भी नहीं कर पाता। आगे लिंची यहाँ पे जॉ की मौत का बदला लेता है उस मॉन्स्टर से ये कहते हुए कि तुमने ऐसे हीरो को मार डाला है जिसने हजारों लोगों के परिवार को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। अब आगे उस मॉन्स्टर की तरफ वो बढ़ता है और अपने तलवार की मात्र एक ही स्ले के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर डालता है। अब आगे हम लिंची को देखते हैं जो कि जॉ की मौत से काफी ज्यादा सैड था, और उसे अभी यकीन नहीं आ रहा होता है कि जॉ मारा जा चुका है। ठीक उसी समय ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एक और बंदी जिसका नाम होंगिन है उसे देखते हैं, जो कि जाओ को ही बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही होती है। उसे एक मेंबर ही इन्फॉर्म करता है बताते हुए कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जाओ की जो लोकेशन है वो अभी एक ही जगह पे स्टक हो चुकी है और काफी देर से वो मूव नहीं कर रहा है। जिसपे होंगिन उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो, जाओ को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच जाऊंगी वहां पे। कि तभी वो मेंबर उसे बताता है कि जाओ की जो पोजीशन है वो मूव हो रही है। इसे सुनकर होंगिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे यकीन था कि जाओ अभी भी जिंदा है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने सामने का नजारा देख करके वो शॉक रह जाती है। वो जाओ नहीं बल्कि लिंची होता है जो कि उसकी लाश को लेकर के बढ़ रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि बाकी के टीम मेंबर्स भी वहां पे आ जाते हैं, और लिंची उन सभी से ये कहता है कि जूनियर लिंची अब यहां पे आ गया है, और जनरल जाओ के वो इस तरह के सेक्रीफाइस को काफी सम्मान से देखता है। अब लिंची ने जो ये बात कही थी इससे हमें समझ में आ जाता है कि लिंची ने अब उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था और ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो भी जाओ की तरह ही बहादुर बनेगा, उसका जो सपना है अब वो पूरा करेगा। और इसी सैड सीन के साथ ही एपिसोड यही फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिंची अब उस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में पहुंच चुका है, जहाँ पे वो अपनी आंट के लिए एक लेटर लिख रहा होता है कि वो अब से घर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला कर चुका है। अब काफी सस्पेंसिव म्यूजिक के साथ यहाँ हमें काफी कुछ दिखाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में लिंची के घर पहुँचते हैं, उसका लिखा हुआ खत यहाँ उसकी आंट को थमाते हैं। तभी लिंची जो कि अपने ही घर के पास वाली गली में खड़ा होता है अंदर जाने से कतराता है और अपनी आंट को फोन लगाता है। हाँ, उसकी आंट सबसे पहले उसे यही वजह पूछती है कि आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, अब जबकि तुमने ये फैसला कर लिया है तो तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा और वहाँ अच्छे से खाना पीना, और तुम्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम खर्च नहीं करेंगे और उसे मैं तुम्हारी शादी के लिए संभाल के रखूंगी। जिसपे लिंची अपने आंट को कहता है कि वो अपना ख्याल रखेगा, वो जो उसकी सब्सिडी के पैसे हैं वो अपने और उसके छोटे भाई पे खर्च करे। साथ ही उसने अपनी आंट के लिए कुछ पैसे भी भिजवाए हैं जो कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है इसे ज्वाइन करने के लिए।
आगे वो ये कहते हुए फ़ोन को काट देता है कि वो 2 दिनों में ट्रेन से मिलिट्री कैंप पहुंच जाएगा और जा करके कॉल करेगा। यहाँ आर्मी में जा करके सोल्जर बनने का सिर्फ एक दिखावा होता है ताकि जी अपनी फैमिली से दूर रहे। जितनी ज्यादा वो दूर रहेगा कि फैमिली के मेंबर्स उतना ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मतलब उसकी फैमिली के लिए भी खतरा है। अब आगे जो कैप्टन होते हैं वहाँ लिंची की फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उसके घर के बाहर एक ऐसा तिलिस्मान लगा देते हैं कि इनविजिबल होता है और वो उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। आगे वो लिंची को अपने साथ वही हेडक्वार्टर ले जाते हैं जहाँ उसे खूब कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले उसे शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसमें वो बिल्कुल भी निकम्मा निकलता है क्योंकि एक भी गोली इसके टारगेट को हिट नहीं करती, इसलिए वो टारगेट को ही नजदीक लाने का कहता है। अब आगे उसे अलग अलग गॉड्स के बारे में बताने के साथ साथ जिराफ माइकल के डिवाइन एजेंट के बारे में भी बताया जाता है जो कि अब लिंची है। अब यहाँ पे उसे सारी बातें बताई जा रही होती है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि उसके साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी करवाई जा रही थी। उसे डिवाइन एजेंट के बारे में काफी सारी जानकारियां दी जाती है कि ये एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग होते हैं और जो गॉड के द्वारा चूज किया जाता है उसी में ही सिर्फ सिंजो की पावर होती है। इसलिए यहाँ के कई फोर्सेस के तुम अब टारगेट बन चुके हो और तुम जो भी डिसीजन या जो भी फैसला चूज करोगे वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के पैटर्न पे अफेक्ट करेगा। लेकिन इस मोमेंट में अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर डिवाइन एजेंट के रूप में कितनी सारी एबिलिटीज हैं ये तुम्हें खुद ब खुद जाननी होगी। आगे उसे इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अलग अलग रेल में जा सके। अभी उसे अलग अलग रेल में जाने के लिए यहाँ पे एक आधुनिक मशीन यूज की जाती है जिसके तहत उसके लिए खास रेल को डिजाइन किया गया है, इसमें वो जाके इस प्रोग्राम को टेस्ट कर सके। बागे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेन के बारे में बताता है जो कि अलग अलग रोल में एक्सटेट कर चुके हैं और उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स अंडर द गॉड्स कहा जाता है। इन गॉड्स में सबसे पहले गॉड्स ऑफ दाशिया आते हैं, इनमें सबसे पहला शॉर्ड है, दूसरा राइड है, तीसरा वन स्टैचू है, चौथा नथिंगनेस है, पांचवी का नाम अवाइफ है और इन्हीं में से एक हमारी नाइट वॉचमैन टीम का एक कमांडर है। और ये चारों जो अलग अलग फोर्सेस हैं ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को संभालती हैं, लेकिन उनके अलग अलग कमांडर्स का अब तक किसी को भी पता नहीं है क्योंकि उनका अता पता आज तक एक्सट्रीम मिस्ट्री बना हुआ है। आगे हमें वापस से लिंची के शूटिंग प्रैक्टिस को दिखाया जाता है, इसमें थोड़ी बेहतरी तो आई होती है पहले के मुकाबले, लेकिन एक भी निशाना उस कार्डबोर्ड के टारगेट को हिट नहीं करवा रहा था। अब आगे उसे फॉरबिडन रियल सीक्वेंस के बारे में बताया जाता है और ये एक ऐसी पावर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स के पास है और यहाँ पे लिंची के ही फॉरबिडन रूइंस की पावर को चेक किया जाता है जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लेवल की होती है। अपनी इसी स्पेशल एबिलिटीज की वजह से लिंची जो होता है इसने काफी कम टाइम में अपने डायनेमिक विजन के साथ साथ मेंटल पावर को भी एम्पलीफाइड कर दिया होता है, जिसके कारण इसके सेंजो की जो पावर होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। अब आगे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैप्टन होता है वो बताता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की नाइट वॉच टीम में लॉर्ड माइकल के बारे में काफी कम इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें किसी खास पवित्र जगह से ही मिला है। उसके नाम के अलावा हमारे पास और कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हें जैसे जैसे इसके बारे में पता चलेगा तुम्हें इसमें नोट डाउन करना होगा। बाकी जो लिंची होता है वो हर एक टेस्ट में अपने जो लेवल्स होता है उसे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है जिससे उसकी मेंटल पावर के साथ साथ उसके वेपन चलाने की पावर भी बढ़ रही होती है और उसकी एबिलिटीज अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को बस इस बात का डर होता है कि कहीं उस एंशिएंट गॉड चर्च वाले इसे ढूंढ न ले, जिसके बारे में लिंची उनसे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। इस पे वो चश्मिश वाला बंदा इसे बताता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग वही हैं जो हमें पूरी तरह से डिवोर करना चाहते हैं। आगे वो उन्हीं 3 गॉड्स के बारे में बताने लगता है जो कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स होते हैं। इन्होंने ही ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का बीड़ा उठाया था। इसमें एक नॉर्डिक गॉडेस होती है जो कि मौत की देवी हेला है, दूसरा एक ग्रीक गॉड हैडिस होता है। उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड ने इन्हीं 3 गॉड्स को अपने 3 इविल गॉड्स का फाउंडेशन बनाया है क्योंकि इस स्ट्रेंज सी फॉग को इस दुनिया में ला करके एक अनदर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। इसके बाद वो उन ह्यूमंस की तलाश करते हैं जिनके पास वो फॉरबिडन रूनस और डिवाइन रूनस की पावर डेवलप होती है क्योंकि उस अजीब से फॉग के यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे ऐसी एबिलिटीज के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनमें शिंसो की पावर होती है। ये उन्हीं ह्यूमन बींग्स की तलाश करते हैं जिनमें शिंसो की पावर है या तो फिर फॉरबिडन रूनस की पावर है, लेकिन अब तक हमारा जो दाशिया है वो इस फॉग से पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ है और उनका अभी का टारगेट हमारा दाशिया ही है। जिस पे लिंची उसे ये सवाल पूछता है तो इसका मतलब है कि उस फॉग में कुछ और भी ह्यूमंस हैं जो कि सरवाइव कर पा सकते हैं। क्या आपने एक्चुअल में उस फॉग को फैलते हुए देखा है? जिस वो बंदा अभी इस बात का जवाब नहीं देता और ये कहते हुए बात को टाल देता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ को समझ जाओगे, लेकिन अभी बस तुम्हें इतना जानना है कि अगर उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स ने तुम्हें ढूंढ लिया
तो वो डेफिनेटली तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो उनका टारगेट सिर्फ तुम ही होगे, वो तुमको मार डालेंगे। अब आगे, आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो कैप्टन होता है उन सभी के लिए लंच प्रिपेयर करता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के दो बंदे जिसमें से एक लड़के का नाम मोमू है, लड़की का नाम होंगिन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, और वो मीट के पीस के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसमें वो दूसरा मेंबर मीट का बड़ा टुकड़ा ले जा करके यहाँ लिंगची को पेश करता है, ये कहते हुए कि तुमने आज काफी सख्त ट्रेनिंग की है तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अब आगे उन्हें बताया जाता है कि लिंगची कहाँ पे रुकेगा, जिसपे होंगयान उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आगे वो एक और लड़के जिसका नाम जायोनन है उसे कहती है कि क्या तुम इसे वहाँ पे पहुँचा दोगी। जायोनन भी इस बात को टाल देती है ये कहते हुए कि मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं, जिसपे मोमू लिंची से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना। अब आगे वे लोग घर के लिए निकल रहे होते हैं, जिसपे लिंची को शक होता है और वो मोमू से पूछता है कि आखिर क्यों कोई उसके साथ नहीं चलना चाहता था, जिसपे मोमू उसे बताता है कि हर नाइट वॉचमैन के अपने कुछ अलग अलग सीक्रेट्स होते हैं और वो इसे अपने तक ही रखना चाहता है। अब आगे वे लोग छुप करके जो नजारा देखते हैं उसमें उन्हें होंगयुंग नजर आती है, क्योंकि उसी जाओ की कब्र के पास ही बैठी होती है, अपनी श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उसकी कब्र पे कार्विंग कर रही होती है। इसके बारे में यहाँ पे मोमो बताता है कि हर नाइट वॉचमैन की जो कब्र होती है उसके मरने के बाद उसे उसकी टीममेट द्वारा ही कार्व किया जाता है, और शायद वो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पे चुपके से आई है। लेकिन हमें यहाँ होंगयुंग के साथ साथ बाकी के टीममेट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह से छुप छुपाते हुए यहाँ पे उस जाओ के लिए अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे होते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी टीममेट होती है उसकी मौत से काफी ज्यादा सैड होती है, उन सभी को ही इसकी मौत का एक बहुत बड़ा झटका लगा होता है। अब आगे हम लिंगची को देखते हैं जो कि अपने साथ आज पूरे दिन की घटी घटना को सोच रहा होता है, और उसे नींद आ जाती है और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, जहाँ पे वो उन 6 गॉड्स जो कि उस असाइलम में कैद है उनमें से एक का भी इलाज कर रहा है, जो कि गॉडेस ऑफ नाइट है, जिन्हें सभी गॉड्स की मदर भी माना जाता है। यहाँ गॉडेस जो होती है वो लिंची काफी उदास है इस बात को जान जाती है, वो इसे इसका कारण पूछती है, जिसपे लिंची तो पहले मना कर देता है यहाँ बताने से, लेकिन जब गॉडेस उसे ये कहती है कि हम आखिरकार फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, जो भी दुख या पीड़ा तुम्हें सता रही है तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिसपे लिंची अब यहाँ बताना शुरू करता है कि एक इंसान की मौत ने मुझे काफी परेशान कर दिया है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी, और उसी के इस फेवर को लौटाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। जिसपे गॉडेस यहाँ लिंगची को कंसोल करते हुए कहती है कि तुम किसी की उपस्थिति को रिप्लेस नहीं कर सकते, हो सकता है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी वो यही चाहता होगा कि तुम एक बेटर लाइफ जी पाओ। यहाँ वो गॉडेस लिंगची को अपनी माँ समझती है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ होने के कारण मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। आगे वो अपने हाथ की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम इस ब्रेसलेट को रख सकते हो, लेकिन उनका हाथ खाली होता है, ये देख करके वो विचलित हो जाती है कि आखिर उनका ब्रेसलेट कौन ले गया। कि तभी गॉडेस को अचानक याद आता है कि एक लड़की तुम्हारी ही जैसे व्हाइट कोट पहन के 5 साल पहले आई थी और वो 3rd फ्लोर के रूम में गई थी, और उसने मुझसे एक सौदा किया था कि अगर वो मेरे बच्चे को मुझे वापस कर देगी तो मुझे उसे अपना एक ब्रेसलेट देना होगा, और इस शर्त में मैं हार जाती हूँ क्योंकि उसने मुझे किसी चीज को क्रिएट करने के लिए कहा था, अगर मैं क्रिएट कर देती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं उस चीज को क्रिएट नहीं कर पाऊंगी मुझे वो ब्रेसलेट उस लड़की को देना होगा। अब आगे यहाँ लिंगची इसी बात का पता लगाने के लिए उस 3rd फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे उसे जाकर के पता चलता है कि उन 5 देवताओं में से एक देवी ये गॉडेस ऑफ नाइट होती हैं, जिन्होंने ही वर्ल्ड को क्रिएट किया था, आखिर ऐसा कौन है जो कि गॉडेस की इस क्रिएशन को बीट कर पाए। अब आगे लिंगची को वहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ और तुम मुझे यहाँ से बस एक गुजरने वाला समझ सकते हो, और एक्चुअल में ऐसे असाइलम के मास्टर तो तुम ही होगे, पेशेंट से एक का कुछ सामान लिया है, लेकिन मैं जब तुमसे मिलने के लिए आऊंगी तो तुम्हें ये लौटा दूंगी, लेकिन याद रखना अभी जिस ऑफिस में तुम खड़े हो इसके नीचे एक और खुफिया जगह है, आगे तुम बस मेरे बड़े होने का इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, आफ्टर ऑल तुम्हें तो बस मेरे घर जाने की आखिरी उम्मीद हो। अब इतना कुछ उस लेटर में लिखा होता है, इसलिए जो लिंगची होता है ऑफिस के नीचे वाले फ्लोर में एक लिफ्ट के द्वारा जाता है, जहाँ पे उसे वही क्रिएचर दिखता है जो कि सलाखों के पीछे कैद है, ये वही है जिसने जाओ को मार डाला था। लिंगची इसे सप्रेस करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और इसकी मेमोरी में झांकता है, जिससे उसे पता चलता है ये कोई नकाब पोश है जो कि कोई ग्रीन चीज इन्हें खिला करके इन्हें इस तरह से अपने वश में काबू कर रहा है।
आगे वो जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है यहाँ से निकलने की तो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लिंची अपने मात्र एक नज़र के ही अटैक से ही उसे सप्रेस कर डालता है। अब यहाँ उसे चोट पहुँचाने के लिए लिंची अपने एक स्लैश का यूज़ करके उसके हाथ को ही उसके धड़ से अलग कर डालता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत पेन होने लगता है। आगे लिंची अपनी पावर का यूज करते हुए उसे खींचते हुए अपने पास लाता है और उसकी आंखों में देखने से उसे पता चल जाता है कि इसके साथ वो जो हरकत करने वाला था वो नकाबपोश बंदा और को नहीं बल्कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का ही एक मेंबर है। और आगे उसने जानबूझ करके इस मॉन्स्टर को इस असाइलम में कैद करके रखा है ताकि वो इनकी स्पीसीज के बारे में और अच्छे से डिटेल में जान सके। और ये उस चर्च द्वारा ये पहला मॉन्स्टर क्रिएट किया गया है इस वर्ल्ड में तबाही लाने के लिए। यहाँ पे लिंची उसकी तरफ देखता है और उसे ये कहता है कि तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को मार डाला है जो कि मेरे लिए काफी अहमियत रखता था। ये मेरा असाइलम है और इस असाइलम में मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे वो अपने मात्र हाथों का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के पूरे सर को ही कुचल के रख डालता है। अब अगले सीन में हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि लिंची को स्टार शॉट की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। यहाँ इस टेक्निक के मोस्ट बेसिक रूल्स के बारे में वो लिंची को बताता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक नाइट वॉचमैन को सीखना ही होगा। आगे वो बताता है कि ज़ॉ के पास कोई भी फॉरबिडन रूइंस की ताकत नहीं थी, लेकिन वो एक कमाल का तलवारबाज था और तलवारबाजी में उसका मुकाबला हम में से कोई भी नहीं कर पाता था। वो हम में से सबसे बेस्ट था। जिस विलिंग जी उसे कहता है कि इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये देखा था। अब आगे इनके हम कमाल की प्रैक्टिस को देखते हैं जहाँ कैप्टन लिंची से कह रहा होता है तुम्हें ज़ॉ के जैसा ही एक तलवारबाज बनना होगा, और फिर देखते हैं कि डिवाइन एजेंट के तौर पे तुम इस तलवारबाजी के साथ कितना आगे जाते हो। अब आगे जिस तलवार से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो और किसी की नहीं बल्कि ज़ॉ की ही होती है जो कि उसके आखिरी निशाने के तौर पे लिंची ने अपने पास रखी थी, और वो इसी तलवार का यूज करते हुए कैप्टन की तलवार को काट डालता है ये कहते हुए कि मैं उसे इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता। अब आगे उनके तलवारबाजी की प्रैक्टिस में सुबह हो जाती है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे होते हैं। यहाँ हमें सभी मेंबर्स की छोटी छोटी झलकियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन लास्ट में हमें लिंची को दिखाया जाता है जिसके पास वही ज़ॉ वाला ही बैच है और उसे अभी तक उसने काफी संभाल के रखा है। लास्ट में उसके इतना बोलते ही कि आखिर वो तुम ही थे जिसने मेरी पूरी दुनिया को बचा के रखा था और इसके बदले में तुम्हारे वर्ल्ड को मैंने अपना लिया और मैं अगले 10 सालों तक इसे बड़ी बखूबी से गार्ड करूंगा। उसके इतना कहते ही हमें ज़ॉ की ग्रेव को दिखाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरी टीममेट्स के एक पिक्चर को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते ही लिंची को काफी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सारे टीममेट्स को एक साथ बुलाया जाता है क्योंकि हाल ही में इस पूरी सिटी पे नंडोरा स्नेक डेमन का कहर देखा गया है। इस स्नेक डेमन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ऑल्दो ये स्नेक डेमन अपने 10th लेवल पे है, लेकिन इसे हाई रिस्क वाले कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इसका जो पॉइजन है वो काफी खतरनाक है। ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और उनकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है ताकि वो ब्रीडिंग करते हुए अपने ऑफ स्प्रिंग की ग्रोथ को बढ़ा सके, लेकिन जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस रहते हैं वो दूसरे इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें नंडोरा स्नेक डेमन ही इन्फेक्ट कर सकता है। अब आगे हेड लीडर का कहना होता है कि लिंची जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे ऐसे काफी सारे ह्यूमंस को इन्फेक्टेड पाया गया है, इसीलिए उन्होंने लगातार 7 दिनों और रातों तक उस स्कूल पे नजर रखी है, जिससे उन्हें ये पता चला है कि उस स्कूल की ही एक लड़की जिस स्टूडेंट का नाम ज़ियाओ है हो सकता है उसकी बॉडी में नंडोरा स्नेक डेमन है और उसने इस स्कूल को ही अपना गढ़ बनाया है। इससे पहले कि वो पूरी स्कूल ही इन्फेक्टेड हो जाए उन्हें जल्द से जल्द उस स्नेक डेमन को ढूंढ करके उसका खात्मा करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ लीडर ये भी बताते हैं कि उन 3 इविल क्रोज ने अब तक कोई विजन नहीं देखा है, जिसपे जो लिंची होता है वो पूछता है कि आखिर ये 3 इविल क्रो कौन है, जिसपे होंगिन उसे बताती है कि इन 3 इविल कौवों में फॉरबिडन रूइंस की पावर होती है जो आने वाले भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकती हैं, और उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की है कि उनके इस कांग्यान सिटी में आगे के दिनों में ऐसी डिजास्टर नहीं आने वाला है, जिसका मतलब यही है कि हमें उस स्कूल में वो नंडोरा स्नेक डेमन बिख जाएगा और हम उसे मार पाएंगे। अब आगे लिंची और उसके दोस्त उसी यूनिफॉर्म को पहने हुए वापस से स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे उसका दोस्त ईफी होता है जो उससे पूछता है कि मैंने सुन रखा था कि तुम अब सोल्जर बन चुके हो और आर्मी ज्वाइन कर ली है और मुझे तो लगा था कि हम तुमसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम तो काफी कूल निकले, तुमने एक अमेजिंग सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, इन्होंने तुम्हें इतने खतरनाक वेपन्स दिए हैं जिसे तुम अपने कंधे पे ढो रहे हो, ये तो काफी कूल है और मुझे हमेशा से ही पता था कि इस सिटी में जरूर कुछ न कुछ स्ट्रेंज सी चीजें हैं।
लगता है कि तुम उन्हीं का खात्मा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को तुमने ज्वाइन किया है। क्या मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ? अब वो इतनी सारी बातें बोल रहा होता है लेकिन लिंच ये उसकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता और वो स्कूल की पीछे वाली दीवार को फ्लांग करके स्कूल के अंदर इंटर करते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीम के जो बाकी भी मेंबर्स होते हैं उन्होंने स्कूल के चारों तरफ वही बैरियर को लगा दिया होता है और इस बैरियर को लगाने का मतलब है कि कोई भी मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। आगे जो लिंच ये होता है वो ये फिर से बोलता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उस लड़की का नाम सूजी है ना, क्योंकि सूजी के साथ वो जियाओ घूमती रहती है, तो तुम क्या जानते हो कि उन गर्ल्स की डॉर्मेट्री कहाँ पे है। इस पे यीफी उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सूजी को पसंद करता हूँ। जिस पे लिंच उसे कहता है कि ऑब्वियस सी बात है तुम जिस तरह से सूजी को देखते थे स्कूल में सभी को उसके बारे में पता है। आगे तो पहले इस बात को टालते हुए वो मना कर देता है लेकिन बाद में यहाँ पे वो सूजी से मिलने के लिए जाया करता था उसकी डॉर्मेट्री, इसीलिए उसे पता होता है कि गर्ल्स की डॉर्मेट्री कहाँ होती है और वो लिंच को इसका पता बता देता है। आगे ये फिर उनका कमरा नंबर 405 बता देता है जिस पे होंगियोन और जाओनान उस लड़की के कमरे को चेक करने के लिए डॉर्मेट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोनों लड़कियां जैसे ही उसके कमरे में इंटर करती है वहां वो लड़की जियाओ तो नहीं दिखती लेकिन जाओनान को एक ऐसी अजीब सी चीज दिखती है जिससे वो हैरान रह जाती है। उसके बालकनी में वहां पे ह्यूमन स्किन टंगी हुई थी कि ये साबित करती है कि जियाओ ही नंडोरा स्नेक डेमन है क्योंकि उसी ने ही ह्यूमन की स्किन को इस तरह से पहन करके अपने आप को डिस्गाइज किया है। इधर दूसरी तरफ लिंग ची जो होता है वो क्लास की तरफ बढ़ता है लेकिन वहाँ पे देखने पर उसे वो लड़की जियाओ नहीं दिखती क्योंकि उसकी सीट आज खाली थी और जियाओ के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए टीम लीडर के साथ कैप्टन भी उसके घर का पता ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब उस दरवाजे पे नॉक करने पर वहाँ से एक लेडी बाहर आती है, उसे देखते ही कैप्टन उसे बंदूक से उड़ा देता है क्योंकि वो लेडी एक स्नेक डेमन थी। अब ये सभी जिस लड़की जियाओ को ढूंढ रहे होते हैं वो अपने घर में भी नहीं होती। इस पे कैप्टन अब ये लिंची को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की जियाओ को ढूंढना होगा। तभी पूरे स्कूल में लंच ब्रेक हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। ये अच्छा मौका था उन स्टूडेंट्स में से कौन नंडोरा स्नेक है ये जानने का, इसीलिए लिंची अब ग्राउंड में आकर के अपनी स्पिरिचुअल विजन का यूज करता है जहाँ पे वो सभी की आंखों को देख रहा होता है। यहाँ पे उसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं लेकिन वो नंडोरा स्नेक कौन है उसे नहीं पता चलता। तभी जैसे ही लिंची वहाँ से गुजरता है हमें उसी नंडोरा स्नेक डेमन की आंखों को दिखाया जाता है जिसे ये पता लग चुका है कि लिंची उसे ढूंढ रहा है और उसने अपने आप को काफी आसानी से डिस्गाइज कर लिया है। अब आगे यहाँ कैप्टन लिंची को उस नंडोरा स्नेक डेमन को ढूंढने के लिए इसलिए कह रहा होता है कि जैसे ही उसे हम मार डालेंगे उसके द्वारा इन्फेक्टेड जितने भी ह्यूमंस हैं वो वापस से अपने सही कंडीशन में आ जाएंगे। अब उस स्नेक डेमन को तो ये पता चल चुका होता है कि लिंची और बाकी सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने डिसेंडेंट यानी कि इन्फेक्टेड ह्यूमंस में से किसी को उनका सामना करने के लिए भेजता है। इधर लिंची का रास्ता एक प्रोफेसर रोकता है, वो भी उस स्नेक डेमन के कब्जे में था। और इधर दूसरी तरफ होंगियोन और जोनान को भी कुछ लड़कियां घेर लेती हैं और वो भी उसी नए स्नेक डेमन के कब्जे में होती हैं। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स की काफी धमाकेदार फाइटिंग होती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिंची जिस गन का यूज कर रहा होता है तो ह्यूमंस पे तो जरा भी इफेक्ट नहीं होता, वो उनकी बॉडी में छिपे उस स्नेक डेमन को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो स्नेक डेमन बाहर निकलता है लिंच ही अपने तलवार से उन सबको स्ले करता जा रहा था। इधर कैप्टन और हेड लीडर को पूरी तरह से शक होता है कि ये जो नया मॉन्स्टर्स आया है इस सिटी में जरूर इसके पीछे भी उस एंशिएंट गॉड चर्च का ही हाथ होगा, इसलिए वो इस सिटी के बाकी के भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको सतर्क कर देगा, एक बड़ी टीम को बुलाने वाला है ताकि वो इन सब मॉन्स्टर्स का सामना कर पाए। लेकिन यहाँ कैप्टन ने लिंच ये को पहली बार इस तरह के मिशन में भेजा था क्योंकि उसे लिंच ये पे पूरा यकीन होता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फाइटिंग होने के कारण पूरी स्कूल में ही भगदड़ मच जाती है, जितने भी इन्फेक्टेड ह्यूमंस होते हैं वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं जिससे कि बाकी के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और पूरी स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। इधर ऑर्गेनाइजेशन के जो टीममेट्स होते हैं वो अपने अपने तरीके से इन डेमन्स का खात्मा कर रहे होते हैं लेकिन इनका टारगेट सिर्फ वही नंडोरा स्नेक डेमन होता है क्योंकि जब तक उसे खत्म नहीं किया जाएगा ये इसके ऑफ स्प्रिंग से जिसने इतने सारे ह्यूमंस को इन्फेक्टेड किया है वो खत्म नहीं होंगे। अब आगे एपिसोड का आधा से ज्यादा भाग इसी फाइटिंग सीन को दिखाने में चला जाता है जो कि काफी अमेजिंग होता है देखने में। यहाँ अपने अपने तरीके से सभी फाइट कर रहे होते हैं लेकिन सबसे अमेजिंग होंगकिन होती है
जहां वो अभी भी उसी डॉर्मेटरी की गलियारे में ही थे जहां दोनों तरफ से वही इन्फेक्टेड ह्यूमंस आ जाते हैं और वह अपनी उसी शॉट का इस्तेमाल करती है जो कि बिजली की तेजी की तरह फायर से ग्लो करने लगती है और जमीन पे एक बार पटकते ही वो सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब आगे जो गनमैन होता है वो लिंगची को इन्फॉर्म करता है कि उसने टॉप फ्लोर पे कुछ हरकत को देखा है, मे बी हो सकता है कि जियाओ वहाँ पे हो। इसी का पता लगाने के लिए लिंगची अपने दोस्त के साथ उस टॉप फ्लोर पे जाता है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने अपने आप को उन स्नेक्स डेमन से बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर दिया होता है और दरवाजे को ब्लॉक कर दिया होता है। लिंगची और उसका दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं और वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि ये डेमन स्नेक हो सकते हैं इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन अब इस सीरीज में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसी तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में काफी जानकारी रखता है और वो उसी कमरे में ही था और वो इसी नंडोरा स्नेक डेमन के बारे में ही पढ़ रहा होता है। अब आगे लिंची कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। से अंदर फंसे स्टूडेंट अब भी यही चिल्ला रहे होते हैं कि वो स्नेक डेमन तो बाहर है, अंदर कोई स्नेक डेमन नहीं है। लेकिन अंदर एक स्नेक डेमन होता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वही न्यू कैरेक्टर जो होता है इस स्नेक डेमन को मार डालता है लिंची के अंदर आने से पहले ही। आगे जब लिंची उस कमरे के अंदर आता है तो वो भी अपनी तलवार से उस स्नेक डेमन को मार डालता है। अब इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इस न्यू कैरेक्टर का नाम अजीन होता है जो कि इस सिटी में फर्स्ट रैंक का एक स्टूडेंट है और इसने बायोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वो अभी फिलहाल PhD कर रहा है बायोलॉजी में, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें उस स्नेक डेमन को मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने उसे के ऐसे पॉइंट पे मारा था जिससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। वैसे भी अगर तुम उसे नहीं मारते वो थोड़ी देर बाद मर ही जाता। यहाँ जिन भी लिंची को जानता है जिसके बारे में लिंची उसे कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, जिस पे अजीन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें प्लेग्राउंड में देखा था, तुम्हारी आंखें चमक रही थी जिसे मैंने जान लिया कि तुम वही बंदे हो जो कि इस स्कूल में पहली बार पट्टियों को बांध करके आया था। कि तभी उनके सामने और भी इन्फेक्टेड ह्यूमंस आ जाते हैं। लिंची उन पे अटैक तो करता है लेकिन उसका निशाना काफी खराब है, एक भी निशाना उसे हिट नहीं कर पाता कि तभी अजीन उसकी मदद करता है और वो यहाँ एक ही बार में ऐसे गोलियां चला रहा होता है कि सभी इन्फेक्टेड ह्यूमंस मारे जाते हैं और उनके अंदर से वही डेमन स्नेक बाहर निकलता है जिसे लिंची अपने शॉट से किल कर देता है। अब आगे ये जो अजीन है वो कोई मामूली बंदा नहीं लगता, इन्हें इन सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स के बारे में पता है, इसे कैसे खत्म किया जाता है, इवन कि वो नंडोरा स्नेक डेमन के बारे में भी जानता है कि अगर इन डेमन स्नेक को ये पता चल जाए कि कोई इन्हें ढूंढ रहा है तो ये अपने आप को काफी आसानी से डिस्गाइज कर लेते हैं और दूसरी बॉडी में भी शिफ्ट हो सकते हैं जिससे इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आगे जितनी भी ये सारी बातें हो रही होती है उस अमेजिंग फाइटिंग सीन के दौरान ही हो रही होती हैं। जब सारे इन्फेक्टेड स्नेक डेमन्स मारे जाते हैं तो एक बंदा आकर के उसी बेल को बजाता है जिससे वो सभी इन्फेक्टेड स्टूडेंट जिनके अंदर वो स्नेक डेमन था वो सभी भी होश में आ जाते हैं और उन सब की याददाश्त इस बेल के जरिए मिटा दिया जाता है। अब जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं उन सभी का खात्मा करने के बाद सिर्फ म्यूजिक रूम ही बचा होता है जहां वो लोग जियाओ को ढूंढने के लिए बढ़ते हैं आगे। अब म्यूजिक रूम के अंदर कौन है ये वेरीफाई करने के लिए लिंची अपने स्पिरिचुअल विजन का यूज करता है जहां पे सूजी के साथ वही लड़की जियाओ भी मिल जाती है जिसे वे लोग इतनी देर से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लिंची की विजुअल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उस लड़की के अंदर के सिल तक देख पाता है। टीम लीडर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की जियाओ स्नेक डेमन हो सकती है। अब इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस लड़की पे उसी गन का यूज करते हैं क्योंकि इस गन का किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे कोई असर नहीं करता, सिर्फ डेमन स्नेक ही मारे जाते हैं। ऐसे ही लिंची उस गन का इस्तेमाल करता है, जियाओ को कुछ नहीं होता। कि तभी हमें यहाँ पता चलता है कि एक्चुअल में नंडोरा स्नेक डेमन जो है वो उस लीफी की गर्लफ्रेंड उस लड़की सूजी के बॉडी के अंदर है क्योंकि अपने रियल फॉर्म में आती है और यहाँ उसने यीफी के ही हाथ को काट डाला था। अब यहाँ उस असली वाले नंडोरा स्नेक डेमन और लिंची के बीच में फाइट होती है और ये फाइट जो होती है अभी अभी उसने जो फाइट की थी इन सभी से ज्यादा हाई लेवल की होती है और काफी कोशिशों के बाद अजीन की मदद से वो उस नंडोरा स्नेक डेमन को मार तो डालते हैं। लेकिन यहाँ हमें अजीन की क्वालिटीज को दिखाया जाता है जिसके कारण वो किसी की भी बॉडी के अंदर के सेल्स के बारे में भी जान सकता है, उसे क्रिएचर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ अपने आप ही पता चल जाती हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन होते हैं वो एक स्ट्रेंज सी जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो किसी बॉक्स को देख रहे होते हैं और वो जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है कि उस स्नेक डेमन का कहर पूरी सिटी में फैल चुका होता है क्योंकि बहुत सारे उस लोगों को उसने ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होता है।
आगे उन्होंने उस नंडोरा स्नेक डेमन की बॉडी को तो खत्म कर दिया होता है और सब कुछ जैसे शांत हो जाता है कि तभी अजीन एक गहरा राज ओपन करता है और वो ये होता है कि जो नंडोरा स्नेक डेमन होता है वो विजन के जरिए अपनी बॉडी को कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिसका मतलब है कि अभी भी नंडोरा स्नेक डेमन को उन्होंने जो मारा है उसने पहले ही अपने आप को किसी और की बॉडी में शिफ्ट कर लिया है और सबसे लास्ट में उसका कॉन्टैक्ट उसी यूफी के साथ हुआ था। और ये समझने के बाद जो अजीन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और वो उसी गन से यहाँ पे यूफी पे अटैक करता है, जिसे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यूफी के अंदर ही शुरू से लेकर अब तक वो नंडोरा स्नेक डेमन था। अब यहाँ वो नंडोरा स्नेक डेमन अपने असली रूप में आता है और सभी उसे मारने के लिए अपनी गन और तलवारें तान देते हैं, जिसपे वो नंडोरा स्नेक डेमन उनसे कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिसपे अजीन के ये कहते हैं कि ये ढूंढना काफी ज्यादा आसान था। ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, बात होती है जहाँ हम लिन ची को देखते हैं जो कि अपने मेंटल असाइलम में ही उस नंडोरा स्नेक डेमन ने जिसे अपना हेयर बनाया था उन दोनों को कब्जे में लेकर के उन्हें इंट्रोगेट कर रहा होता है। अब यहाँ वो लड़की सारी सच्चाई उगल देती है कि वो नंदा स्नेक डेमन क्लैन से आई है इस वर्ल्ड में छिपने के लिए और उस दिन तक ये लोग इस वर्ल्ड में शांति से रह रहे होते हैं, जिस दिन उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोग उसके पास आए थे और उन्होंने उसे दो ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन ये था कि उन्हें उस गॉड के डिवाइन एजेंट को यानी कि लिन ची को ढूंढना है और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि स्नेक डेमन क्लैन वाले अगर ये काम नहीं करते हैं तो वे चर्च के लोग जो होंगे इस पूरे क्लैन को ही खत्म कर डालेंगे। अब इन स्नेक डेमन क्लैन के पास कोई उपाय नहीं होता है, ना ही वो चर्च के लोगों के साथ फाइट कर पाते हैं और ना ही इनसे मना कर पाते हैं। इसीलिए लिन ची ने जिस दिन अपने डिवाइन एजेंट गॉड वाली पावर को अवेकन किया था, इस क्लैन के लोगों ने अपने शेयरिंग विजन का यूज करके यहाँ लिन ची को पहचान लिया होता है कि यही डिवाइन एजेंट गॉड है और उसी दिन से ही ये लोग स्कूल में यहाँ लिन ची पे नजर रखने लगे। और लिन ची का जो दोस्त होता है ली पे, इस रात ली पे यहाँ पे लिन ची को खतरे में छोड़ करके भाग गया होता है। उसी दिन वो नंडोरा स्नेक डेमन ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वो इतने दिनों से स्कूल में इसके साथ घूम रहा था, लेकिन जब उन्हें ये पता चल गया था कि लिन ची के पास एक स्पेशल पावर है जिसके थ्रू वो नंडोरा स्नेक डेमन के असली चेहरे को पहचान सकता है, तो स्नेक डेमन ने ये सोचा कि अगर इस लिन ची को मारने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो अपने शेयरिंग विजन का यूज करके अपनी ट्रू आइडेंटिटी इससे छुपा के रखते हैं। लेकिन लिन ची ने नाइट वॉचमैन की टीम की मदद से उस नंडोरा स्नेक डेमन को ढूंढ लिया होता है और उसे पकड़ लिया होता है। अब हमें उसी नंडोरा स्नेक डेमन को दिखाया जाता है जो कि अब लिन ची की कैद में है। यहाँ वो इस बात को कबूल करती है कि अगर उस लीफी ने अपने हाथ को आगे बढ़ा करके तुम्हें बचाने के लिए उसने मुझे रोका नहीं होता तो अभी तुम मारे गए होते। अब हमें उसी लीफी को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पे कैद में था। उस डेमन स्नेक तो बहुत ही पहले उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था और उसे अपना वारिस बना दिया होता है, लेकिन अचानक से उस दिन लीफी जो होता है अपने बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है, उसने लिन ची की जान बचा ली होती है क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा होता है कि काश उस दिन उसने लिन ची की मदद कर ली होती, लेकिन उस रात जो लिन ची को वहीं पे मुसीबत में छोड़ करके भाग गया था इसकी वजह से वो अपने आप को हमेशा गिल्टी और दोषी पाता था और इसी बात ने उसे ट्रिगर किया और उस दिन इसने लिन ची की जान बचा ली उस स्नेक डेमन को रोकते हुए। अब आगे लिन ची लीफी के पास जाता है जिसे अभी भी पछतावा होता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को यूं धोखा देने की कोशिश की थी और इसी पछतावे ने उसे सदमे में डाल दिया होता है, जिसकी वजह से अब उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। यहाँ लिन ची उसे कंसोल करने की कोशिश करता है जिसपे लीफी उसे बताता है कि 7 दिन पहले उसके साथ जो हुआ था उसकी पूरी फैमिली को इस स्नेक डेमन ने मारने की धमकी दी थी, इसके कारण लीफी को उसकी बात माननी ही पड़ी और उसने जो कुछ भी किया बस उस स्नेक डेमन के वश में आकर के किया। जिसपे लिन ची उसे कहता है कि लेकिन फिर भी लास्ट में तुमने मेरी मदद ही की मुझे बचा के। अब आगे लिन ची उसे कहता है कि आगे तुम्हारे पास चूज करने के 2 रास्ते हैं और मुझे यकीन है कि तुम अब अच्छाई का ही साथ दोगे। जिसपे लीफी उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह पे रहते तो क्या चूज करते। जिसपे लिन ची उसे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या चूज करता। अब आगे जो लीफी होता है वो अपने पश्चाताप में वहाँ पे बहुत रोता है, जिसके कारण लिन ची उसे माफ कर देता है। अब उससे उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया था ताकि लीफी अब उसके साथ काम कर सके। अब आगे लीफी को पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने ये सब किया था और लिन ची को एक केयर टेकर की जरूरत होती है, इसीलिए लिन ची जो होता है वो लीफी को ये काम सौंपता है। इस असाइलम में यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनका ख्याल लीफी को रखना होगा।
बागे जो लिंजी होता है उन सिक्स गॉड में से सबसे पहली गॉडेस का वो जो इलाज कर रहा होता है जो कि गॉडेस ऑफ नाइट होती है उससे मिलवाने के लिए लीवी को ले जाता है। जैसे ही गॉड ऑफ नाइट इस लीवी को देखती है उसे अपना ग्रैंड चिल्ड्रन मानने लगती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। अब वो गॉडेस तो मेंटली सीख होती है इसलिए उसे अपना ग्रैंड चिल्ड्रन मान रही होती है। यहाँ लीवे भी उसके इस इमोशन को समझ जाता है और ऐसा एक्ट करता है जैसे वो उसी का ही ग्रैंड चिल्ड्रन हो। अब गॉडेस ऑफ नाइट उस लीवे से बड़ी ही प्यार से मिलती है। इसे देख करके लिंजी उससे कहता है कि तुम्हें आज के बाद से इस गॉड ऑफ मेंटल असाइलम के साथ साथ इन सब पेशेंट्स की भी अब से देखभाल करनी होगी। अब आगे गॉडेस उस लीवे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है जिसके कारण उनकी जो रिकवरी रेट होती है वो अब 23% से इंक्रीज हो चुकी थी। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट वॉच टीम के टीम लीडर को एक स्टूडेंट सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से उस नंडोरा स्नेक डेमन में उन चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का हाथ है। सारे स्टूडेंट्स को उसके चंगुल से तो बचा लिया गया है साथ ही पूरे कैंपस को क्लीन कर दिया गया है लेकिन अब तक उन्हें उस नंडोरा स्नेक डेमन का जो सर है वो अब तक मिसिंग है ये उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब अगली सीन में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो लीवी की रेंडर होती है। यहाँ लिंची ने लीवी को जो पैसे दिए होते हैं वो सारे पैसे उसने इस लेडी को दे दिए होते हैं ये कहते हुए कि सारे रेंट को मैंने पेड कर दिया है तो अब से वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएगा इसलिए उसने कैंपस में ही रहने का फैसला कर लिया है और इस रेंट रूम की चाबी लाके रखती है। लेकिन जब वो ओल्ड लेडी ये देखती है कि ये रेंट के पैसे नहीं इतने पैसे है कि इससे पूरा ये घर खरीदा जा सकता है वो काफी खुश हो जाती है इस मदद से। आगे जो उसका पोता होता है उस लीवी ने इसके लिए भी एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीद दिया होता है और इन्हें पैसे दे करके वो अब तक इनके द्वारा किए गए एहसानों को वो चुकता कर देता है ताकि वो अब आराम से यहाँ लिंची की मदद कर सके और उस असाइलम की देखभाल करते हुए उनके पेशेंट्स की वहाँ पे केयर करे जो कि गॉड्स हैं। अब अगले सीन में हम उसी अजीन को देखते हैं जिसने नंडोरा स्नेक डेमन्स को मारने में यहाँ पे लिंची की मदद की होती है। वो एक बैग में कुछ रख करके किसी खुफिया जगह पे आया होता है। आगे टीम लीडर को जिसके जो टीममेट्स ये बता रहे होते हैं कि नंडोरा स्नेक डेमन का जो सर है वो मिसिंग है वो जो सर होता है वो इसी अजीन के पास होता है जो कि एक बायोलॉजी का मास्टर स्टूडेंट है और वो इस सर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस खुफिया जगह में इसे लाया था। जैसे ही वो उस स्नेक डेमन के सर को काटता है उसके अंदर से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है जो हो सकता है कि एक मनी हो। उस मनी को ले लेता है और फिर उससे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक चूहे को उठाता है और इससे पहले कि हमें ये पता चल पाता है कि अजीन आखिर यहाँ कौन से एक्सपेरिमेंट करने वाला है ये सीन यहीं पे कट होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंची टीम लीडर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ प्रैक्टिस करते समय जो टीम लीडर होते हैं उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि लिंची काफी कम टाइम में जान रल में ब्रेक थ्रू कर चुका है और आगे अब उसे ट्रेनिंग करने के लिए उसे एक स्पेशल कैंप में जाना होगा। ये कैंप जो होता है वो हर साल लगवाया जाता है। इसमें नए नए नाइट वॉच टीम मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता है और हर एक नाइट वॉच टीम को ज्वाइन करने वाला जो स्टूडेंट होता है इस ट्रेनिंग कैंप को जरूर अटेंड करता है। इसीलिए लिंची को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि वो न्यू फ्रेंड्स बना सके। आगे कैप्टन उसे कहते हैं कि वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करना और हमारे टीम नंबर 136 को एम्बैरेसमेंट मत करना। अब इस पूरे कॉन्टिनेंट पे नाइट वॉच टीम के अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं और लिंची नाइट वॉचमैन के जिस टीम में है वो टीम नंबर 136 है। इसीलिए जो कैप्टन होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं कि हमारी टीम की लाज रखना। जिस पे लिंची उसे पूछता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स की जो हरकतें हैं वो बढ़ गई है क्या इसीलिए उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिस पे टीम लीडर उसे कहते हैं कि तुम उस चर्च की चिंता हम पे छोड़ दो और वहाँ पे होने वाले उस कैंप में ट्रेनिंग पे ध्यान देना और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीममेट्स के मेंबर आएंगे सो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करना। अब अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो इसी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। हर साल नाइट वॉचमैन की टीम में नए नए मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता है ताकि वे बेस्ट क्वालिटी के कॉम्पैक्ट इलाइट्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर सके और हर साल की तरह नए मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए पहले ये जो कैंप है वो शांगजिंग सिटी में लगाया जाता था लेकिन चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग जो उनके पीछे पड़े हैं इसीलिए अब की बार इन्होंने लोकेशन चेंज कर दी है और इस कैंप को उन्होंने कांग्यान सिटी में लगाने के लिए डिसाइड किया है। अब अगले सीन में हमें उन्हीं न्यू मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कांग्यान सिटी में ट्रेनिंग कैंप में आने वाले हैं। अब यहाँ से हमें एक एक करके उन न्यू बंदों को दिखाया जाएगा जो कि उस ट्रेनिंग कैंप में आने वाले हैं कांग्यान सिटी में। सबसे पहले हमें एक मोटे से बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अमीर इंसान है। वो कुछ बुड्ढों के साथ यहाँ पे पोकर गेम खेल रहा है लेकिन वो बुड्ढे इससे हार जाते हैं
और हारने के बाद वो बिड्ढे डर जाते हैं कि पता नहीं ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा। तभी वो जो मोटा बंदा होता है, जो काफी ज्यादा अमीर है इसीलिए हम इसे रिची कहेंगे, अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को अंदर लाता है। इसे देख करके वो बुड्ढे डर जाते हैं, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स जो होते हैं इन बुड्ढों के सामने सोने की घड़ी पेश करते हैं। आगे जो रिची होता है उनसे कहता है कि तुम लोगों के साथ पोकर गेम खेलने में मजा आया, इसीलिए मेरे साथ टाइम पास करने के लिए मैं तुम्हें ये रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ गेम खेल करके मुझे बड़ा मजा आया। अब आगे रिची का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि यंग मास्टर आपको कांग्यान सिटी में जाना है, जिसमे यहाँ रिची कुछ ज्यादा ही अमीर होता है। हालांकि उसे कांग्यान सिटी में उस ट्रेनिंग कैंप में तो नहीं जाना, लेकिन वर्ल्ड के हर एक मजेदार गेम को खेल करके वो बोर हो चुका है, इसीलिए कुछ नए रोमांच के लिए वो उस ट्रेनिंग कैंप में जाना चाहता है। क्योंकि वो अपने बॉडीगार्ड को ये ऑर्डर देता है कि मेरे लिए उस पूरे एयरपोर्ट को ही खाली करवा दो, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि आज मेरी फ्लाइट जाने वाली है। अब ये सीन यही कट होता है और उस ट्रेनिंग कैंप में जाने वाले अब हमें सेकंड मेंबर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है, उसे तीन गुंडे मिल करके हैरेस कर रहे होते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं कि तभी ये न्यू बंदा वहाँ पे एंट्री लेता है। वो एक कैन से एक बंदे को इस तरह से हिट करता है कि वो वहीं गिर जाता है। आगे ये जो बंदा है इसका नाम शेन है और ये एक गैंग का लीडर है। हालांकि ये एक गैंगस्टर है लेकिन हमेशा न्याय का साथ देता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए वो अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि इन घिनौने लोगों की खूब कुटाई करे। आगे जो शेन होता है वो उस लड़की को बचा लेता है और उन तीनों को खूब कुटाई करते हुए उन्हें रस्सी से स्ट्रीट लाइट पे बांध देता है। आगे वो उनसे कहता है कि मैं भी कांग्यान सिटी में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाते ही याद रखना इस इलाके का बॉस अब भी मैं ही हूँ, तो मेरे बनाए गए नियम के अनुसार ही सब कुछ चलना चाहिए, और मेरे जाते ही अपनी ये सब जो गंदी हरकतें हैं वो वापस से शुरू मत कर देना। कि तभी दूसरी गैंग के बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि व्हाइट सूट में होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों गैंग्स के बीच फाइट होने लगती है और इसके साथ ही ये सीन यहीं फिनिश होता है। अगले सीन में हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्क है। ये मॉन्क जो है अपनी लाइफ में की गई भयानक गलती की सजा काट रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो एक प्रकार के नर्क में रह रहा है। यहाँ पे इस मॉन्क के जो एल्डर है उसे आकर के बताते हैं कि तुम्हें भी कांग्यान सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो रही ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें एक ऐसा नोबल मैन मिलेगा जो तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा दिला देगा। और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो लिंची को ही नोबल मैन कह रहे होते हैं, जिसपे ये मॉन्क भी उस कांग्यान सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा होगा। अब आगे हमें चर्च ऑफ एंशियंट गॉड्स का जो हेड है, जिसने अब तक अपने आप को उस नकाब के पीछे रखा है, ये पहली बार अपना चेहरा रिवील करता है और इसके सामने लिंची ही की तस्वीर पड़ी होती है, जिसके बारे में एक बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि यही लड़का डिवाइन एजेंट गॉड है और ये एक नाइट वॉचमैन टीम का एक मेंबर बन चुका है, क्योंकि हमसे पहले उन्होंने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब आगे उस चर्च का जो हेड है वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस डिवाइन गॉड एजेंट को अपने पास बुलाने के लिए चाहे नाइट वॉचमैन टीम के हर एक मेंबर को ही क्यों न खत्म करना पड़े, वो ये काम जरूर करेगा। और अपने इसी खतरनाक मंसूबे को कामयाब करने के लिए उसने सबसे पहली नाइट वॉच टीम की जो मेंबर होती है जो कि होंग यान है, उसके अपार्टमेंट में इन्होंने एक टाइम बॉम्ब लगा रखा है। जैसे ही होंग यान अपने अपार्टमेंट का यहाँ दरवाजा खोलती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो अपार्टमेंट ही पूरी की पूरी जलने लगती है। लेकिन होंग यान एक शिंजो है जिसमें सुपर नेचुरल पावर्स है, इसीलिए उसे इस ब्लास्ट से जरा भी इफेक्ट नहीं होता और ये समझ जाती है कि इस बॉम्ब को यहाँ लगाने का काम और किसी का नहीं बल्कि उसी चर्च ऑफ एंशियंट गॉड्स के ही किसी बंदे का है। उनमें से एक बंदे को वो देख भी लेती है और उस पे अटैक भी करती है। अब आगे उस चर्च का हेड जो होता है वो अपने और भी टीममेट्स को यहाँ पे बुला लेता है ताकि वो नाइट वॉच टीम पे इस तरह के कई और सारे हमले कर सके। अब यहाँ हमें विलन के साइड के भी अलग अलग मेंबर को दिखाया जाता है जो कि हीरोज के ग्रुप का सामना करने के लिए यहाँ उस चर्च के हेड द्वारा बुलाए जा चुके थे। और अब यहाँ हमें विलन की साइड से सबसे पहले मेंबर को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की होती है जो कि काफी खतरनाक आउटफिट में होती है। इसका नाम लीसा होता है जो कि अपने दूसरे मेंबर लियांग से मिलने के लिए आती है। ये दोनों ही उस चर्च के हेड के ही बंदे हैं और ये दोनों ही आपस में रिलेशनशिप में हैं, जो एक दूसरे से मिलते ही किस करने लगते हैं। अब आगे हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में सफर कर रहा होता है। इसके बाद चौथे बंदे को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर अजीब सी टैटू होती है और वो बस से आ रहा होता है। और फिर पांचवें, छठे और सातवें मेंबर को दिखाया जाता है जो कि बाइक से आ रहे होते हैं। ये सभी ही उस चर्च के हेड के सर्वेंट्स हैं जो कि उस डिवाइन एजेंट गॉड को अपने ग्रह में शामिल करने के लिए उस नाइट वॉचमैन टीम का मुकाबला करेंगे और उस डिवाइन गॉड एजेंट को यानी कि लिंची को अपने ग्रह में शामिल करने के लिए
चाहे इस चर्च के हेड को नाइट वॉच टीम के साथ वॉर ही डिक्लेयर क्यों ना करना पड़े, वो ऐसा जरूर करेगा। चाहे तो वो उसे अपने ग्रोह में शामिल करेंगे या तो फिर उसे मार डालेंगे। और उस चर्च के हेड ने ये वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि लिंची कैंप पहुंच चुका होता है। सारे कैंप के जो मेंबर्स होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा से उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लिंची ही वो डिवाइन एजेंट गॉड है। इसलिए सबको लगता है कि कोई धाकड़ पर्सनैलिटी अब आने वाली है। लेकिन जब वो लिंची का क्यूट सा फेस देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि क्या यही वाकई में वो डिवाइन एजेंट गॉड है। लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्टर युवान ही होते हैं जो यहाँ लिंची के अंदर के स्प्रिट को देख पा रहे थे। आगे वो एक बंदे को लिंची के पास भेजते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कैंप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसे बता सके। वो बंदा लिंची के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि इस साल टोटल 239 लोगों को नए रिक्रूट्स के तौर पे भर्ती किया गया है। जिस पे लिंची उसे पूछता है कि क्या ये सभी नाइट वॉच टीम के मेंबर है, जिस पे वो बंदा उसे बताता है कि नाइट वॉच टीम के मेंबर सिर्फ वही बचेंगे जो कि इस ट्रेनिंग कैंप में लास्ट तक सर्वाइव कर पाएंगे। आगे वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे आने वाले सिर्फ तुम इकलौते डिवाइन एजेंट गॉड नहीं हो, यहाँ पे कई साल पहले एक और डिवाइन एजेंट गॉड आ चुका है और वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर स्क्वायर टीम का ही कैप्टन है और वो एक डिस्प्लेस्ड गॉड का एजेंट है जिसे तुम थोड़ी ही देर के बाद मिलोगे। अब आगे लिंची का यहाँ ऑफिशियली वेलकम किया जाता है उस 39 रिक्रूट ट्रेनिंग बेस में और इस ट्रेनिंग कैंप में उसे साल भर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आगे लिंची को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पे उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि वही अमीर बंदा जिसे हम फैटी कहेंगे वो मिलता है। यहाँ फैटी उसे बहुत अच्छे से पेश आता है और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए उसके लिए ढेर सारे वो गिफ्ट्स भी लाया होता है। ये गिफ्ट्स काफी महंगे होते हैं जिसे लिंची लेने से इनकार कर देता है। आगे फैटी उसे सोने चांदी और हीरे से बनी हुई घड़ियां ऑफर करता है जिसपे लिंची उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली वॉचेस का बिजनेस करती है, जिसपे फैटी इस बात को टालते हुए उसे कहता है कि वो बस एक आम सी फैमिली से बिलोंग करता है। कि तभी वहां पे अनाउंसमेंट की जाती है कि जितने सारे न्यू रिक्रूट्स हैं वे जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। अब आगे इंस्ट्रक्टर युवान जो होते हैं यहाँ पे सभी को लेक्चर दे रहे होते हैं कि तुम चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो या तुम्हारी जो भी पहले की आइडेंटिफिकेशन रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम यहाँ पे हमारे इस मिलिट्री कैंप में हो और मेरे नजरों में तो तुम सबकी लेवल मात्र गार्बेज के बराबर है और तुम्हारी करंट सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर तुम्हें एक भी रियल दुश्मन का सामना करना पड़ जाए तो उसके एक ही मूव में तुम सब अभी मारे जाओगे। इसमें एक स्टूडेंट यहाँ पे एग्री नहीं करता। ये वही बंदा होता है जो कि गैंग लीडर शेन होता है। वो यहाँ कहता है कि मैं आपके इस भाषण से सहमत नहीं हूँ, आपने अभी तक हमारे अंदर की एबिलिटीज अभी देखी नहीं है इसीलिए हमें कचरा कह रहे हो। अब आगे शेन का साथ देते हुए वहाँ कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हाथ उठा देते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। वो इस बात से सहमत नहीं है कि इंस्ट्रक्टर उन्हें कचरा समझ रहे हैं, जिसमें इंस्ट्रक्टर युवान उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है तुम्हें अपने आप को अगर साबित करना है तो इस टेस्ट को पास करके दिखाओ। आगे वो किसी को भेजने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही टेंशन के साथ मास्क्ड स्क्वाड टीम अपेयर होती है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं और इसी मास्क स्क्वाड टीम का जो लीडर होता है वो भी एक डिवाइन एजेंट होता है। अब आगे यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि स्पेशल मास्क स्क्वाड टीम तुम्हारे सामने आ चुकी है, इन्होंने बाउंड्रीज को सेट कर दिया है और तुम लोगों का बस इतना काम होगा कि अगर इन मास्क टीम में से किसी भी मेंबर के मार्क्स अगर तुम उतार पाते हो तो तुम इनसे जीत जाओगे और जैसे ही इनका मार्क्स तुम निकाल लोगे ये टास्क वहीं खत्म हो जाएगा। याद रखो तुम नए न्यू क्रिएट्स की संख्या 239 है, तुम सभी मिलकर भी इनमें से किसी का भी मार्क्स नहीं निकाल पाए फिर तुम्हें हमारे मैनेजमेंट की 100% सभी बातों को ओबे करना होगा। अब ये सुनकर के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये तुच्छ सा गेम है, सिर्फ मार्क्स की तो निकालना है इन 5 में से एक का तो हम 2 मिनट के अंदर ही कर देंगे। अब इतना एक बंदा कह ही रहा होता है कि एक जबरदस्त अटैक उस मार्क्समैन के द्वारा उस पे किया जाता है जिससे सभी तितर बितर हो जाते हैं और अब यहाँ पे असली गेम शुरू होता है। अब ये कोई आम मास्क टीम नहीं होती है, ये अपने एक ही अटैक से वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर गिराती है कि वे सभी जो नए रिक्रूट्स होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। इस मास्क टीम की एक मेंबर एक लड़की होती है जिसके पास एक हथौड़ा होता है और वो अपने इस हथौड़े को इतना बड़ा कर देती है कि उसके एक ही अटैक से 10-15 लोग से भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लिंची को देखते हैं जो कि फैटी के साथ वहाँ पे बहुत तेजी के साथ भाग जाता है। अब उस मास्क टीम का जो लीडर होता है उसका टारगेट यहाँ पे सिर्फ लिंची ही है। इसे भागता देख वो उसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बगौड़े निकलोगे। अब आगे लिंची के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं।
फैटी के साथ एक वेयर हाउस में पहुंचता है जहां पे बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। यहां पे वो उस वेयर हाउस के ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी उनके सामने एक लाल बालों वाली लड़की आती है जो कि अपने फॉरबिडन रुइंस की पावर का यूज करते हुए उस वेयर हाउस के पूरे दरवाजे को ही ब्लास्ट कर देती है। उसके साथ बहुत सारे नए रिक्रूट्स उस वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी पसंदीदा वेपन चूज करने लगते हैं। आगे वो लड़की अकेले ही उनका मुकाबला करने के लिए वहां से जा रही होती है। इस विलिंची उसे कहता है कि वो मार्क्स टीम हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और हम अकेले अकेले उससे नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम यूनिटी के साथ उसका मुकाबला करें। यहाँ पे वो लड़की भी इस चीज के लिए मान जाती है और अपना नाम यहाँ मोली बताती है। मोली के साथ साथ बाकी न्यू क्रिएट्स भी यहाँ पे लिंची की टीम में शामिल हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ ही उस मार्क्स टीम का मुकाबला करेंगे और उनके मार्क्स को निकालना होगा, तभी वे लोग यहाँ पे जीत पाएंगे। उन मार्क्स टीम के सभी बंदों के पास इनविजिबल होने की पावर होती है, इसका यूज करके उस मार्क्स टीम का एक बंदा पीछे से मोली पे अटैक करने वाला होता है। यहाँ लिंची उसे अपने स्पिरिचुअल आईज से देख लेता है और यहाँ मोली को बचाते हुए वो उस पे काउंटर अटैक करता है। मोली भी उसके हाथों को काट डालती है लेकिन उस मार्क्स टीम का वो जो मेंबर होता है वो वापस से अपने हाथों को फिर से ग्रो कर लेता है। इसे देख करके यहाँ पे लिंची समझ जाता है कि ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है बल्कि मूनलाइट को डिकम्पोज कर रहा है ताकि ये हमारे द्वारा किए गए अटैक्स को अवॉइड कर पाए। अब आगे लिंची समेत वो सारे न्यू क्रूट्स जो होते हैं इस मार्क्स टीम के इस मेंबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिंची यहाँ पे कहता है कि ये सिर्फ अकेला यहाँ पे आया है तो हम सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस पे साथ में अटैक करें और इसका मार्क्स निकाल के हम सभी जीत जाएं। यहाँ पे वो फैटी से पूछता है कि तुम्हारा वेपन कहाँ है, जिस पे फैटी उसे कहता है कि मुझे इनसे फाइट करने के लिए वेपन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा अमीर होता है कि वहाँ पे जितने भी नए रिक्रूट्स थे उन सभी को वो गोल्ड सिल्वर की इतनी ज्यादा घड़ियाँ दे देता है, वे सभी उसके आदेश पर अटैक करने के लिए तैयार थे। आगे फैटी का ऑर्डर देते ही वे सभी न्यू क्रूट उस बंदे पे टूट पड़ते हैं लेकिन उस मार्क्स टीम मेंबर के पास इनविजिबल होने की पावर होती है, इसलिए वो उनके अटैक से बचता हुआ तुरंत ही इनविजिबल हो जाता है। अब आगे उस मार्क्स टीम की एक और मेंबर उसका साथ देने के लिए आती है। वे लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए अपने कन्वर्जन स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, इससे उस प्लेस की जो चारों तरफ की ग्रेविटी होती है वो तितर बितर हो जाती है और सभी लोगों को ये इल्यूजन होने लगता है कि उनके आसपास की जो जमीनें हैं वो ऊपर नीचे होने लगी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ लिंची के गाइडनेस के साथ वे सभी उस एक मार्क्स टीम के मेंबर का मुकाबला कर रहे होते हैं। अब आगे मार्क्स टीम का जो लीडर होता है वो लिंची से मुकाबला करने के लिए अपने एक और टीम मेट जिसका नाम मूनलाइट होता है उसे भेजता है। मूनलाइट यहाँ लिंची से कहता है कि सुना है कि तुम एक डिवाइन एजेंट गॉड हो तो मुझसे मुकाबला करने के लिए अपने थोड़े स्किल्स दिखाओ। अब आगे लिंची उसे अकेला ही फाइट कर रहा होता है और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े डिब्बों के अंदर चले जाते हैं। अब आगे लिंची जैसे ही अपने स्किल का यूज करता है उस बंदे को रोकने के लिए दूसरी तरफ वो मोली से कहता है कि इन सभी पे वो एक साथ ही अटैक करे। अब यहाँ पे लिंची के प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा होता है और जो न्यू क्रिएट्स के मेंबर सारे डब्बे में छुपे हुए थे वो यहाँ पे बड़े बड़े एक्सप्लोसिव पैकेट्स के साथ वहाँ पे छुपे हुए थे। लिंची के ऑर्डर देते ही वो डब्बों से बाहर निकलते हैं, उन बड़े बड़े बारूद के पैकेट्स को मार्क्स टीम मेंबर्स के ऊपर फेंकते हैं जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरी वेपन की गोडाउन ही ब्लास्ट हो जाती है। अब आगे एक पोर्टल ओपन होता है और वो पांचों मेंबर्स बाहर निकलते हैं। इसमें वो कहने लगते हैं कि अभी भी उनका मार्क्स उनके पास ही है, उन्होंने तो इस नए डिवाइन एजेंट को कुछ ज्यादा ही कम आंका था, इस नए डिवाइन एजेंट से मुकाबला करना तो उन्हें भारी पड़ा। अब आगे वो पांचों मेंबर्स तो फिलहाल के लिए वहां से चले जाते हैं लेकिन इधर दूसरी तरफ लिंची अभी भी उनसे जीतने के लिए न्यू प्लान्स बना रहा होता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इस मार्क्स टीम की पावर को देख करके पहले ही भाग चुके हैं और सिर्फ कुछ ही बचे हैं जिन्हें ढूंढ करके हमें वापस से एक टीम बनानी होगी और उनकी लोकेशंस को हमें ढूंढना होगा क्योंकि वो इस ट्रेनिंग कैंप की अलग अलग जगहों में छुपे हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें न्यू क्रिएट्स के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेनिंग कैंप के बिल्डिंग के अलग अलग हिस्से में छुपे हुए थे। इनमें से एक बंदा जो कि बिल्कुल हार चुका होता है उसके पास एक दूसरा बंदा आता है, उसे कहता है कि मास्क टीम कभी भी यहाँ पे पहुँचने वाली है, हमने छुपने की एक दूसरी जगह ढूंढ ली है तो तुम्हें हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। लेकिन ये बंदा पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है और उसके साथ जाने से मना कर देता है। इधर दूसरी तरफ मार्क्स टीम के मेंबर्स उनके छुपे हुए ठिकाने पर अब हमला करने के लिए आ जाते हैं। उन सभी में इनविजिबल होने की पावर होती है का वो यूज करके इन सारे मेंबर्स को घायल कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक जो गैंग लीडर शेन होता है उसमें भी फॉरबिडन रुइंस की पावर होती है, वो उसका यूज करता है और ऐसा वैक्यूम जनरेट करता है जिससे 10 मीटर के दायरे में जितने भी मेंबर्स आते हैं सभी के जो वाइटल मेरिडियंस होते हैं के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, सभी दर्द से कराहने लगते हैं। अब आगे वो अपनी इस वैक्यूम पावर का यूज करके उस मार्क्स टीम के एक बंदे को तो पकड़ लेता है और उसे ये धमकी देता है कि अपना मार्क्स नीचे उतार दो वरना तुम्हारे चक्कर में जो इतने सारे न्यू क्रूट्स हैं सभी के सभी मारे जाएंगे।
वो मार्क्स टीम का बंदा अपना मार्क्स उतारने ही वाला होता है और वहाँ पे मार्क्स टीम की एक बंदी पहुँचती है, उसे ऐसा करने से रोकती है। वहाँ पे वो शिन पे ही अटैक करती है जिसके कारण उसने जो वैक्यूम क्रिएट किया था वो टूट जाता है। आगे वो अपने सभी दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सब अब यहाँ ओवर एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि हमारा पर्दाफाश हो चुका है। अब आगे मार्क्स टीम का वो बंदा जो होता है ये सुन करके ये सभी यहाँ पे नाटक कर रहे होते हैं उसे अपने जाल में फंसाने के लिए गुस्से से तंतना जाता है और फिर से इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें नाइट वॉचमैन टीम के कैप्टन को दिखाया जाता है। किसी को फोन पे बता रहे होते हैं कि हम पे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का ही एक मेंबर है। उसे नहीं होंगयुन पे अटैक किया था और उसके पूरे अपार्टमेंट को ही ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन होंगयुन ने वक्त रहते ही चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के एक मेंबर को पकड़ लिया है और अब उसे कब्जे में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम होंगयुन को देखते हैं। ये पूरी तरह से तैयार थी और वो उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के मेंबर को काफी बुरी तरीके से कूट रही होती है ताकि वो अपने मुंह से जल्द सच्चाई उगल डाले। वो इसे इतना मारती है कि उसे अधमरा कर देती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ लिंच ही अपने दोनों दोस्तों को बता रहा होता है एक ऐसी प्लान के बारे में जिसका यूज करके वो उन मास टीम से जीत सकते हैं। अब इधर हमें गैंग लीडर शेन को दिखाया जाता है, वो भी एक न्यू रिक्रूट होता है लेकिन वो आम बंदा नहीं होता है, उसके पास भी फॉरबिडन रियंस की ताकत होती है। वो हवा में मिले हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बराबर मात्रा को कंप्रेस करते हुए एक ऐसा बबल क्रिएट करता है और सिर्फ उसके चुटकी बजाने से ही एक चिंगारी उस बबल के अंदर जाती है और वो बबल एक एक्सप्लोजिव यानी कि एक बॉम्ब की तरह काम करता है। अब वो छोटी सी चिंगारी जैसी ही उस बबल के अंदर जाती है वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब आगे जो शिन होता है वो मार्क्स टीम के एक मेंबर से फाइट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे मार्क्स टीम के वो सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं जो शिन से कह रहे होते हैं कि लगता है तुम्हारे अंदर हमसे फाइट करने की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। कि तभी हम देखते हैं कि शिन फिर से चुटकी बजाता है और उन पांचों मार्क्स टीम के मेंबर को उसके लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पे वो एक ऐसे मैकेनिज्म का यूज करते हैं कि वो जो पांचों होते हैं वो जमीन के नीचे धंस जाते हैं और चारों तरफ से निकली हुई नोखिली दीवार उन्हें कैद कर लेती है और अब उस वॉल के हर एक होल से यहाँ पे फायरिंग की जाती है। अब ये शिन का ही प्लान होता है उन मार्क्स मैन के चेहरे से मार्क्स को हटाने का। यहाँ पे अंधाधुन उन पे गोलियां चल रही होती हैं जिसे वो मार्क्स मैन का टीम लीडर जो होता है वो अपने सभी टीममेट्स को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिसपे शिन अपने बंदों से कहता है कि तब तक यहाँ गोलियां चलाते रहो जब तक ये सभी हार नहीं मान लेते। इधर मार्क्स टीम जो होती है अपने टीम लीडर से कह रहे होते हैं कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि ये शील्ड तुरंत ही टूट जाएगी। अब आगे जो उनका टीम लीडर होता है जो कि एक डिवाइन एजेंट गॉड भी है वो अब अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है जो कि वक्त को रोकना है। उसकी तलवार के एक इशारे से ही वो पूरा टाइम वहाँ पे थम जाता है और वो मात्र अपनी यहाँ तलवार का एक स्लैश ही यूज करता है और फिर जैसे ही वक्त यहाँ पे फिर से शुरू हो जाता है हम देखते हैं कि जो सारी गोलियां हैं और तोप से लगातार जो अटैक्स हो रहे होते हैं उन सभी अटैक्स को वो अपनी तलवार से ही मार चुका था जिसके कारण वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। शिन का साथ देने वाले जितने भी नए रिक्रूट्स होते हैं वो सभी के सभी भारी मात्रा में एलिमिनेट हो जाते हैं और अब उनकी एलिमिनेशन के कारण उनकी संख्या घट करके सिर्फ 5 रह जाती है और ये 5 मेंबर में सबसे पहला लिंची है, दूसरा उसका नया फ्रेंड वो फैटी है, तीसरा वो लाल बालों वाली लड़की है, चौथा वो गैंग लीडर शिन बचा रह जाता है और पांचवा वो होता है जो एक मॉन्क है। लेकिन इधर जो मॉन्क होता है पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है और वो अपने हाथ खड़ा कर देता है उस मार्क्स टीम के एक मेंबर के सामने और उसे कहता है कि मुझे भी एलिमिनेट कर दो। आगे वो उसे कहता है कि मैं अपनी फॉरबिडन रियंस की पावर का तुम पे इस्तेमाल नहीं कर सकता और अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि मुझे पहले एलिमिनेट कर दो क्योंकि मैं दोबारा से मर्डर के क्राइम को कमिट नहीं कर सकता। आगे वो अपने मन की शांति के लिए यहाँ मंत्रों का जाप करने लगता है। अब यहाँ पे बराबरी की लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि अब दोनों टीम में से 5-5 मेंबर्स ही बचे हुए थे और अब यहाँ पे 5 vs 5 का गेम शुरू होता है। अब आगे एक बंदा जैसे ही उस मॉन्क को एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ता है वो लाल बालों वाली मौली आकर के उसे रोक लेती है। यहाँ वो उस मार्क्स मैन के एक बंदे को दूसरी तरफ ले जाती है। इधर लिंच ही उस मॉन्क के पास आता है और उसे दूसरी जगह ले जाने को कहता है। यहाँ फैटी उसे दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है लेकिन जैसे ही मॉन्क यहाँ पे लिंची का नाम सुनता है उसके दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है कि यहाँ आने से पहले जिस तरह से उसके गुरुजी ने उसे बताया था उसकी जिंदगी एक नोबल मैन के आने से पूरी तरह से बदल जाएगी और ये नोबल मैन लिंची ही होगा। इसीलिए जो मॉन्क होता है वो लगातार यहाँ फैटी से एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि इस लिंची का सरनेम आखिर क्या है। इधर दूसरी तरफ लिंची का सामना उस मार्क्स टीम के टीम लीडर से होता है। अब आगे हमें फैटी को दिखाया जाता है और यहाँ हमें लगता है कि इसके पास कोई भी ताकत नहीं है सिवाय अमीरी के।
लेकिन यहाँ मामला तब पलट जाता है जब मार्क्स टीम का एक मेंबर उसका रास्ता टोक लेता है और यहाँ फैटी अब अपनी ताकत रिवील करता है ये कहते हुए कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब आगे सबसे पहले तो वो ऐसे ऐसे गैजेट्स का यूज करता है जिनकी कीमत 8 करोड़ से भी ज्यादा होती है। सबसे पहले वो एक लॉकेट को दिखाता है और कहता है कि इसके होते हुए तुम मेरी बॉडी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब आगे फैटी रिवील करता है कि उसके पास भी फॉरबिडन रियोन्स की ताकत है, जो कि फॉरबिडन रियोन्स की ताकत के लेवल में 071 के रैंक पे आती है। जैसा कि इसके पिछले एपिसोड से आप लोगों को पता है कि इस एरिया में जब से ये मिस्टीरियस फॉग यहाँ पे फैली है, यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में खास पावर्स होती हैं जिन्हें फॉरबिडन रियोन्स कहा जाता है और ये सीक्वेंस में ये पावर आती है। और फैटी में भी यहाँ पे फॉरबिडन रियोन्स की पावर सीक्वेंस नंबर 071 की पावर है का यूज वो उस मार्क्समैन के एक मेंबर को हराने के लिए कर रहा होता है। आगे वो मॉन्क से कहता है कि अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इस रस्सी के बाहर मत निकलना, मेरे लिए और भी परेशानी हो जाएगी। और अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मेरे लिए मुसीबत भी मत खड़ा करना इस रस्सी से बाहर निकल के, क्योंकि जब तक तुम इसके अंदर रहोगे तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकेगा। अब आगे वो एक और गैजेट निकालता है जो कि ट्रू सीइंग आई है, जिसे फॉरबिडन रियोन्स की सीक्वेंस गैजेट कहा जाता है और ये गैजेट नंबर 315 है, जिसकी कीमत भी यहाँ दिखी होती है जो कि 1 करोड़ होती है। और इसका यूज करके वो उस दूसरे मार्क्समैन को देख लेता है और अपने पावर से उस पे अटैक करने लगता है। अब आगे जो मार्क्स टीम का एक बंदा होता है वो यहाँ सोच रहा होता है इस मोटे के पास इतने सारे फॉरबिडन आइटम ऐसे कैसे हो सकते हैं, लगता है कि बहुत ही ज्यादा अमीर बंदे से पाला पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ मॉन्क जो होता है वो बार बार उसे लिंची का सरनेम पूछ रहा होता है कि तभी जो यहाँ फैटी होता है लिंची का सरनेम बताते हुए अपने एक और सीक्वेंस गैजेट को निकालता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही मॉन्क को यहाँ पता चलता है कि ये वही लिंची है जो कि उसे बचा सकता है, यहाँ पे वो अपना मन बदल लेता है। पहले तो वो खुद ही एलिमिनेट होना चाहता था, लेकिन अब उस रस्सी से वो बाहर निकल जाता है और अब वो ठान चुका था कि वो भी इस फाइट में शामिल होगा। और यहाँ पे अब वो अपने फॉरबिडन रियोन्स की ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। और इस कैंप में आने से पहले उस इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे बताया था कि तुम्हारे फॉरबिडन रियोन्स की ताकत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में उसे यहाँ पे यूज नहीं करना होगा, जिससे सभी के यहाँ पे मौत हो सकती है। और अब मॉन्क ठान चुका होता है और अब अपनी तलवार उठा लेता है ये कहते हुए कि अब तो तबाही आके ही रहेगी। अब आगे वो मार्क्स टीम के एक मेंबर के पास पहुंचता है, जिसे देख करके मार्क्स टीम का एक मेंबर उससे पूछ रहा होता है कि अभी तो तुम एलिमिनेट होना चाहते थे और अभी तुमने तलवार उठा ली है, लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने आए हो। जिसपे मॉन्क उससे कहता है कि मुझे अपने टीम लीडर के पास ले चलो जिसने किंग मार्क्स पहना है, वरना मुझसे फाइट करो। जिसपे मार्क्समैन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए टीम लीडर क्या, मैं ही ओपोनेंट काफी हूँ। अब आगे मॉन्क उससे कहता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही आखिरी चांस है कि मेरे मंत्रों का जाप करने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी तबाही के तुम खुद भागीदार होगे। अब आगे वो अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है कि तभी यहाँ सीन कट होता है और हमें अलग अलग मेंबर्स को दिखाया जाता है अलग अलग तरह से फाइट करते हुए। सबसे पहले हमें गैंग लीडर शेन की फाइट दिखाई जाती है, के बाद हमें लाल बालों वाली लड़की वो मौली जो कि उस मार्क्स टीम की एक लड़की जिसके पास हथौड़ी की ताकत होती है उससे फाइट कर रही होती है। इधर चौथी तरफ जो फैटी होता है वो मार्क्स टीम के एक और मेंबर से फाइट कर रहा होता है। और इधर लिंची की फाइट जो होती है वो उस मार्क्स टीम के टीम लीडर किंग मार्क्स से होती है। अब आगे हम लिंची की फाइट को ही दिखाया जाता है, जहाँ पे जब ये प्लान बना रहे होते हैं तो एक फ्लैशबैक के जरिए यहाँ बताया जाता है इस मार्क्स टीम का जो लीडर है वो भी एक डिवाइन एजेंट गॉड है, और इसका जो गॉड है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, और गॉड में जो पावर होती है उसके डिवाइन एजेंट में उसी तरह की पावर्स आती हैं। वो अपने श्राइन का यूज करके टाइम को कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण उसके पावरफुल शॉट्स की जो लाइट है वो टाइम की सीमा से परी हो जाती है और एक ही स्लाइस में कई अनगिनत अटैक्स कर सकती है। और उससे जीतने के लिए यहाँ पे लिंची को वो जब टाइम को रोक लेगा तभी उसके अटैक्स को कैलकुलेट करते हुए उसके हर एक अटैक से बचना होगा। अब लिंची उसकी इसी ट्रिक का यूज करके उसके हर एक शॉर्ट मूव को जान लेता है और काफी केयरफुली उसके हर एक अटैक्स को पार कर रहा होता है। अब आगे लिंची उसके पास पहुंच जाता है और उसकी तलवार पे फॉरबिडन स्क्रोल्स को लगा डालता है। अब ये जो फॉरबिडन स्क्रोल्स जो है एक सीक्वेंस वाला गैजेट नंबर 343 है कि फैटी ने ही यहाँ पे लिंची को दिया है, जिसका यूज ये होता है कि अगर इस स्क्रॉल को किसी भी ब्लेड या सेक्शन पे लगा दिया जाए तो फिर उस वेपन की रुइंस की पावर को वो बैन कर देता है और उसे सिर्फ एक मामूली सा वेपन बना देता है जिनमें कोई भी पावरफुल ताकत नहीं होती। अब इस गैजेट के बारे में यहाँ पे फैटी बता ही रहा होता है कि वो उसका यूज करता था बचपन में मॉस्किटोज को भगाने के लिए, कि तभी मौली उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा महंगे और इतने सारे सीक्वेंस के गैजेट्स आखिर कैसे हैं। अब यहाँ फैटी तो पहले ही मौली पे फिदा होता है
और उसके सवाल पूछने से वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उससे ज्यादा हैंडसम और फिट बंदा और कोई है ही नहीं। वो अपने पेट को अंदर लेते हुए उससे कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मिस मोली, मेरा नाम बाइली तोमिंग है। अब उसके सरनेम से ही यहाँ मोली जान जाती है कि फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स का जो म्यूजियम है वो इसी की फैमिली का ही है। जिसपे फैटी उससे कहता है कि अरे मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिसपे मोली ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी चीज से नफरत है तो वो अमीर ज़ादों से है और उनके यंग मास्टर से, क्योंकि वो जितने ज्यादा रिच होते हैं उतनी ही ज्यादा घमंडी होते हैं। अब मोली ने इतना कह के तो फैटी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया होता है। और इसी के साथ ही ये जो फ्लैशबैक वाला सीन होता है यहीं खत्म होता है। हमें वापस से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी अब भी उस मार्क्समैन का पीछा कर रहा होता है और अब उसने एक ऐसा गैजेट निकाला होता है जो कि ह्यूमिंग बर्ड होता है और एक बर्ड की यहाँ पर कीमत 1,00,000 होती है। वैसे कई सारे बर्ड्स उस बंदे का पीछा कर रहे होते हैं। अब आगे वो इन्हीं हजारों बर्ड्स के साथ उस मार्क्समैन का पीछा कर रहा होता है और पीछा करते हुए उन दोनों लड़कियों की फाइट के बीच में चला जाता है। जिसपे वो दोनों लड़कियां यहाँ चिल्लाते हुए उनसे कहती हैं, क्या तुम दोनों बंदे हमारी फाइट से दूर नहीं रह सकते। अब आगे यहाँ अलग अलग टीम के उन दोनों लड़कियों की भी हमें फाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी जबरदस्त होता है। दूसरी तरफ शेन जो होता है वो भी एक बंदे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा होता है। वो मार्क्स टीम का तो वो बंदा यहाँ शेन से भाग रहा होता है और अलग अलग पोर्टल्स ओपन करते हुए वो उससे बच रहा होता है, लेकिन यहाँ शेन इस तरह से उसका पीछा कर रहा होता है कि वो इतने सारे बबल्स क्रिएट कर देता है कि जैसे ही वो चुटकी बजा रहा था हर तरह से सिर्फ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। अब इधर वापस से हमें मॉन्क को दिखाया जाता है जिसपे वो मास टीम का एक मेंबर उससे कह रहा होता है, और तुम्हें कितना देर लगेगा अपने इन मंत्रों के जाप को फिनिश करने में, और तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि हमारी ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जान से मार डालेंगे, ये तो सिर्फ एक चैलेंज है जिसमें हमारी मास टीम ही जीतेगी। अब आगे जो मॉन्क होता है जैसे ही अपनी तलवार निकालता है उसकी फॉरबिडन रूनस की ताकत जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का होता है। वो एक जीता जागता डिवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसके फॉरबिडन रूइंस की जो रैंक है वो 031 है जो कि एक ब्लैक किंग श्लैश है। और जब पहली बार फॉरबिडन रूइंस ऑफ गॉड्स बनाए गए थे तो उनकी सीक्वेंस में ये सबसे पहले नंबर पे आता है। अब सारे उसके फॉरबिडन रूइंस की पावर को देख करके हैरान रह जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में भी सारी फाइट को लाइव देखा जा रहा था और वहाँ भी अब शर्त लग चुकी होती है कि इस साल तो नए रिक्रूट्स ही जीतने वाले हैं इस चैलेंज में, और पिछले 2 साल में ये पहली बार इस तरह का बैच आया है जिनकी मिस्ट्रीज तो कुछ अलग ही लेवल पे है। अब आगे इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अगर इस टीम को हम अच्छे से ट्रेन कर पाएं, तो फिर एक ऐसा बैटल शुरू हो जाएगा जो कि फॉरबिडन गॉड्स के खिलाफ होगा। अब आगे हमें वापस से टीम के हर एक मेंबर की अलग अलग फाइट को दिखाया जाता है। सबसे पहले लड़कियों की फाइट को दिखाया जाता है जो कि एक अलग लेवल पे ही चल रही होती है। दूसरे शेन के फाइट को दिखाया जाता है जिससे वो मार्क्समैन वाला जो बंदा होता है वो अभी शेन से बच रहा होता है। यहाँ शेन पूरी कोशिश कर रहा होता है उसके मास्क को हटाने की, लेकिन जब भी वो उसके नजदीक पहुँचता है वो बंदा यहाँ एक ऐसा पोर्टल ओपन करता है और गायब हो जाता है। अब वो ऐसा कई बार कर रहा होता है जिससे वहाँ पे अनगिनत पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, लेकिन शेन भी यहाँ पे पीछे नहीं रहता। चुटकी बजाते ही अपने बबल को क्रिएट करता है और उसके हर एक पोर्टल से गुजारता है जिससे हर एक पोर्टल में ब्लास्ट होता है और वो बंदा सामने आके गिरता है। और अब दूसरी तरफ हमें फैटी की फाइट को दिखाया जाता है कि फिर से एक गैजेट यूज करता है जिसके कारण हजारों की संख्या में वहाँ पे तलवारें अपीयर होती हैं और वो सभी तलवारें मार्क्स टीम के एक बंदे पे टूट पड़ती हैं। चौथी तरफ वो जो डेविल मॉन्क होता है वो भी एक मार्क्स टीम के बंदे के ऊपर पड़ जाता है और इनके सिचुएशन से हमें लग रहा होता है कि अब लिंची की ही टीम जीतने वाली है क्योंकि इनका पड़ला भारी है। अब आगे जो फैटी होता है यहाँ डेविल को अप्रिशिएट करने लगता है ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना खूंखार रूप छुपा हुआ है, लेकिन वो जो डेविल मॉन्क होता है वो फैटी पे ही अटैक करते करते रह जाता है। जिसपे फैटी वहाँ से चीखते हुए भाग जाता है कि अपने ही टीममेट्स पे अटैक कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो कि सबको मार डालोगे। कि इतने में ही जो मार्क्स टीम का एक मेंबर होता है वो ये कहते हुए वापस से इन पे अटैक कर देता है कि अभी तक हमारे कैप्टन ने हार नहीं माना है और जब तक वो फाइट कर रहे हैं हम सभी के जीतने के चांसेस अभी हैं, इसीलिए सिचुएशन को दोबारा से रिवर्स करने के लिए इनसे वापस से फाइट करने लगता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है, हमें वापस से लिंची की फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क्स टीम का जो लीडर होता है वो उससे कहता है कि इस फॉरबिडन स्क्रोल को जो तुमने मेरी तलवार पे लगाया है इसका सिर्फ एक लिमिट टाइम तक ही असर होता है, इसका असर हटने के बाद वापस से मेरी तलवार की ताकत लौट आएगी और फिर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन लिंची यहाँ जो होता है उसके अपने ही प्लान्स होते हैं। वो ये कहते हुए अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। अब यहाँ इन दोनों की ही डिवाइन पावर एक दूसरे से टकराती है और हमें दिखाई देता है कि दोनों ही एक डिवाइन एजेंट गॉड है
और इन दोनों के ही अलग अलग गॉड की आकृतियां आपस में ही आमने सामने आती हैं। आगे लिंची उस पे ये कहते हुए अटैक कर डालता है कि आज मैं तुम्हारे मार्क्स को किसी भी तरह से चॉप करके रहूंगा, इसलिए बेटर यही है कि तुम आज अपने गॉड को याद कर लो। कि तभी सीन यहाँ कट होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंची के जितने भी टीममेट्स होते हैं सभी का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि सभी से ही वो मार्क्समैन की टीम मेंबर जो होते हैं वो बच के भाग रहे होते हैं। इधर फैटी से वो पहला बंदा भाग रहा होता है, शेन से वो दूसरा बंदा भाग रहा होता है, और डेविल की ट्रांसफॉर्मेशन से वो तीसरा बंदा भाग रहा होता है। और इन सभी को ही यहाँ पे फाइट करते हुए एक क्रिस्टल बॉल के अंदर उस मार्क्स टीम लीडर का जो गॉड होता है वो देख रहा होता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि लिंची का जो डिवाइन गॉड माइकल है वो उस गॉड को जो कि क्रिस्टल में ये सब होते हुए देख रहा है उसे अपने हाथों के अंदर रखे हुए हैं। मतलब कि उस गॉड से बड़ा यहाँ लिंची का डिवाइन गॉड है। अब आगे लिंचिया अपने डिवाइन गॉड की पावर का यूज करता है और यहाँ पे और उस किंग मार्क्स ने जो समय को रोक दिया था उस समय के परे होते हुए लिंची उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे पल भर में ही सब कुछ शांत हो जाता है और किसने किस पे अटैक किया है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि जो मार्क्स टीम का वो जो टीम लीडर है उसका मार्क्स कट के गिर चुका होता है, और उस मार्क्स के गिरते ही ये चैलेंज यहीं पे खत्म हुआ और लिंची और उसकी टीम इसमें जीत जाती है। और एक कमाल की रैप म्यूजिक के साथ इस एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये सीरीज तो वाकई कमाल की है, मुझे ये काफी पसंद आ रही है क्योंकि इस जैसी मैंने कोई और सीरीज अब तक नहीं देखी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे जरूर लास्ट तक कंटिन्यू करना, और मैंने यहाँ अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं।